लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Thank you.
चंदू, सरकार 10 साल से हमारा बैल मैदान मारता आया है, अगर इस साल भी जीता तो उसके गले में सोने का कंठा पहना दूंगा। हाँ सरकार, कुछ मेरा भी ख्याल रखिए, आखिर 10 साल से बैल की मालिश तो मैं ही करता आया हूँ। तेरे पैरों में भी जंजीर बंधवा दूँ। छोड़ दो मेरे शेर, हाई कोई जो मेरी बिजली पे हाथ डाले, हाई कोई इस मैदान में मैं हूँ। छोरे छोकरे, जिंदगी से तंग आ गया है? जमींदार साहब, अपने बैल की खैर मनाइए, ये फौलादी हड्डियां हैं, फौलादी। करना था तो फूलों का हार पहना थी। मेरे भैया को दुनिया वालों की नजर में लग जाए, इसलिए काला टीका लगा रही हूँ। देखा भाइयों, मेरी बहन को मेरा कितना ख्याल है। अच्छा जी, तो हम चलते हैं। अच्छा चंदू, सरकार। चंदू सरकार, ये अजीत किस खेत की मूली? 10 साल से हमारा बैल किसी से नहीं पकड़ा गया, उसने कैसे पकड़ लिया? इस साल हमारी नाक कट गई और वो भी एक छोकरे के हाथ से जो हमारा कर्जदार है। सरकार, अगर आप इशारा करें तो आपकी नाक काटने वाले की गर्दन काट के रख दूं। एक बात करूं सरकार? कहो। अगर उसके खेतों का पानी बंद कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? तुम्हें अच्छे सूझी चंदू, अगर खेत का पानी बंद हो जाएगा तो भूखा मरेगा, लेकिन याद रख ये बात अपने पेट में रखना, दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक कहते हैं पिताजी, मैंने भी सुन लिया है। अगर सुन लिया है तो भूल जा, और कंपाउंडर बंदा परवर, तू भी भूल जा। भूल गया हुजूर। पिताजी, बड़ा आदमी वही है जो छोटे आदमी से शिकस्त खाकर शिकस्त मान ले। तू डॉक्टर क्या बन गया, मुझे भी सबक सिखाने लगा? मनोहर की माँ, ओ मनोहर की माँ। क्या है जी, जब देखो मनोहर की माँ, मनोहर की माँ। तो और किस नाम से पुकारो, एक ही तो पैदा किया तूने। हाँ हाँ, तो ये एक ही लाख के बराबर है। कहो क्यों चिल्ला रहे थे? देख तेरा लाडला पर निकाल रहा है। क्यों बे मनोहर, मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है? चुप रहो जी, बच्चों से ऐसी बातें करते हैं। जा बेटा, तू अपना काम कर, जा। शुक्रिया, आज तो वक्त पर छुट्टी मिल गई। चलो मुस्तफा, चलिए हुजूर।
नमस्ते हरिदास भाई। आइए आइए वकील भाई, कहिए मिजाज कैसे? जब तक दुनिया में कचहरियां मौजूद हैं, अपने मिजाज अच्छे अच्छे हैं। बैठिए, सुनाइए। बैठिए बैठिए। वकील भाई, मैंने फैसला कर लिया है, शादी इसी महीने में कर दी जाए। आपका फैसला सर आंखों पर, मेरी इतनी बड़ी हवेली है, सूनी पड़ी रहती। मनोहर को शादी के बाद मैं अपने पास ही रखूंगा। दोहते दोहतियां होंगे, आंगन में खेलेंगे, बड़ी रौनक रहेगी। वकील भाई, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मेरे घर में पोते पोतियों के लिए दूध नहीं है। वकील साहब, भगवान की दया से हमारे यहाँ 13 गाय और 12 भैंसे हैं। हाँ, एक भैंसा भी है। भैंसा? कौन सा? तू। वकील भाई, यहाँ कौन सी गाय भैंसे खरीदने जाते हैं, सब कुछ तो घर में ही है। वकील भाई, मेरे माँ बाप अनपढ़ थे और मैं भी अनपढ़ का अनपढ़ ही रहा। अब ये बताइए कि मेरे होने वाले पोते की शिक्षा कैसे होगी, उसे अंग्रेजी स्कूल में भेजा जाएगा या हिंदी पाठशाला में? पिताजी, स्कूल किसे भेज रहे हैं आप? तुम्हारे बच्चे की बात हो रही है बेटे। मेरे बच्चे की? हाँ। लेकिन अभी तक तो उस बच्चे की माँ भी नहीं है। बेटे, जब पौधा लगाया जाता है तो साथ ही फल की भी आशा की जाती है। मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। जानते हो दुल्हन कौन है? हमारी मधु। मधु? माफ कीजिए पिताजी, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर और वकील का रिश्ता कुछ जचता नहीं। लेकिन शादी मनोहर और मधु की है, डॉक्टरी और वकालत की नहीं। जरा आप खुद ही सोचिए अंकल, मैं सुबह सवेरे मरीजों को देखने के लिए घर से निकल जाया करूंगा। जब तक लौटूंगा मधु कचेरी चली जाया करेगी। जब शाम को उसके लौटने का वक्त होगा, मैं फिर मरीजों को देखने के लिए चला जाऊंगा। और कुछ दिनों के बाद नतीजा ये होगा कि तलाक की नौबत आ जाएगी। इसलिए अंकल, अच्छा यही होगा आपकी बात यहीं खत्म कर दें। मनोहर, अगर तुम्हें मधु की वकालत पर एतराज है तो वकालत नहीं करेगी। नहीं नहीं अंकल, सिर्फ शादी के लिए कानून को इतने बड़े दिमाग से महरूम कर देना कानून से बेइंसाफी होगी। अंकल, आप मधु का रिश्ता किसी जज वगैरह से क्यों नहीं करते? मनोहर, तुम अपने काम से काम रखो। मैं मधु का हाथ किसी जज के हाथ में दूं या किसी मिलोनर के, तुम्हें इससे क्या? जिम्मेदार साहब, मैंने दो खानदानों के पुराने ताल्लुकात की वजह से आपकी बात मान ली थी। इसका मतलब ये नहीं कि ये बरखुरदार मुझे मेरी लड़की के लिए रिश्ते तक भी फरमाए। कान खोल कर सुन लीजिए, आज के बाद फिर कभी मेरी लड़की का नाम आपकी जुबान पर ना आए। वकील साहब, वकील साहब, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मनोहर की माँ, मनोहर की माँ! फिर से क्यों चिल्ला रहे हो? दाल गलेगी तो आऊंगी। धन्यो सरकार। मनु, मनु! क्या है पिताजी? देखा बेटी, आदमी जितना बड़ा हो जाता है उसकी शराफत उतनी ही कम हो जाती। 20 वर्ष के दिए हुए वचन को यूं ठुकरा दिया जैसे जुबान कोई चीज ही नहीं होती। बात क्या है पिताजी? कल का छोकरा अनाप शनाप बकता है, कहता है कि डॉक्टरी और वकालत इकट्ठे नहीं हो सकते। नॉनसेंस। पिताजी, आप तो पहेलियां डाल रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं समझी। बेटी, तुम्हारी स्वर्गवासी माँ के अंत समय में मनोहर की माँ ने उसे वचन दिया था कि मनोहर तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, लेकिन उस साहबजादे ने आज शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। देखना, जिस दिन मनोहर की शादी होगी मैं उसी के मंडप के सामने 100 गुना ज्यादा धूमधाम से तेरी शादी करूंगा। गुस्सा छोड़िए पिताजी, यही डॉक्टर जो आज अकड़ रहा है ना, एक दिन मेरे हाथ के लिए आपके पास भीख मांगने आएगा और आप देखेंगे शादी के बाद मेरे पांव धो धो कर पिएगा। लेकिन जब तक हरिदास और मनोहर दोनों आकर मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं सुलह के लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ। आप घबराइए नहीं पिताजी, देखते जाइए क्या होता है। जो होता है होने दो, मुझे किसी की क्या परवाह। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मधु, क्या बात है मधु? अंकल बड़े गुस्से में है। हाँ हाँ श्यामा, पिताजी तो जरा सी बात पे घबरा जाते हैं। डॉक्टर मनोहर ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या मनोहर का दिमाग खराब हो गया है? अरे एक दिन अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। टुडेज यूथ इज अ थियोरेटिकल क्रीचर, कम ऑन लेट अस गो। नंदू, ये जत्था इधर क्यों आ रहा है? सरकार, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब किसान की मौत आती है तो जमींदार के घर की तरफ भागता है। ये कंगले क्या मुझसे पानी लेकर रहेंगे? आ लेने देने।
एक एक और नाको चनेरा चबा दो तो लानत है मेरी जमींदारी पर। सरकार ये तो इस तरह आ रहे हैं कि इनके बाप दादा ने डंगर रचा है। आ गई सरकार। तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? जमींदार साहब, हम लोग ये पूछने आए हैं कि आपको पानी बंद करने का क्या अधिकार है? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे खेतों के नन्हे नन्हे पौधे उसी तरह सूख कर सड़ जाएं जिस तरह गरीबों की औलाद बगैर दूध के बिलक बिलक कर मर जाया करती? क्या भगवान ने इसीलिए आपको बड़ा बनाया जमींदार साहब? इस बात का जवाब पूछना है तो भगवान के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? लेकिन हमारे खेतों का पानी तो आपने रोका है, भगवान ने नहीं। मैं पानी वानी कुछ नहीं जानता। अगर पानी की जरूरत है तो जाके इंद्र देवता की पूजा करो जो बरखा का देवता है। जब अपने हाथों से काम चल सकता है तो इंद्र देवता के पास जाने की क्या जरूरत है? ठहरो शंकर, देखिए जमींदार साहब, आपने जो ये पानी रोका है ये बरसों से हमारे खेतों में बहता आया है, आज इस पर आपका हक कहाँ से हो गया? मुझसे हक मांगते हो? आज तक किसी की जरूरत हुई है जो मेरे सामने अपनी जबान खोले? चंदो ला मेरी बंदूक ला, हमेशा के लिए इन सबको चुप किए देता हूँ। गोली चलाइएगा जमींदार साहब? वो दिन गए जब आपकी गोलियों में दम था। आज गोलियां तो गोलियां, हम लोग तोपों को भी हजम कर जाया करते हैं। ये मौत की धमकी अपने पास रखिए। जब तक हमारा पानी हमारे खेतों में नहीं बहेगा, हम लोग एक कदम भी यहां से हटने वाले नहीं। लीजिए सरकार। ले आ। गोली मत चलाइए। खामोश। अगर इसी तरह डरना है तो घर में चूड़ियां पहन कर बैठ जाओ। मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन तुम लोगों का तो भला हो जाएगा। जमींदार साहब संभालिए अपनी बंदूक की, मैं ये बांध काटने चलाऊ। शाबाश बेटा शाबाश, आज अपने बाप का नाम रोशन कर दिया और मेरा भी। अजीत जिद ना कर, नहीं मानता गोली चला दूंगा। अबे चंदू के बच्चे, गोलियां कहां गई? हवा खाने गई है जमींदार साहब। बंदूक खरीदने की हिम्मत और बात है और गोली चलाना और बात है। सरकार मैं तो गोलियां भर के लाया था। गद्दार कहीं का, जानता हूँ तू भी इन सबों के साथ मिल गया है। पिताजी, चंदू तो नहीं लेकिन मैं इन किसानों के साथ जरूर मिल गया हूँ। ये रहे आपके कारतूस। मनोहर, रे बंदूक की गोलियां क्यों निकाली थी? मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता के हाथ इन मासूम किसानों के खून से रंगे जाएं। अच्छा, तो ये लंका घर के भेद ही नहीं ढाई है। खैर, तुझे कोसने से क्या फायदा? दोस्त तेरी माँ का है जिसने तुझ जैसे घर उजाड़ कपूत को जन्म दिया। चंदू, संभाल ये बंदूक और जल्दी से मुझे गिलोरी दे दे। चंदू, एक गिलोरी मुझे भी लगाना। आज नहीं तो फिर कभी समझ लो। आज समझ लीजिएगा सरकार। गिलोरी, गोली मार सरकार को। सरकार सरकार, माफ करना अजीत, पिता के दोष की माफी अगर बेटा मांग ले तो पिता का दोष धुल जाता है। तुम अपना पानी अपने खेतों में ले जाओ। धन्यवाद छोटे सरकार, धन्यवाद। अगर सब जमींदार आप जैसे हो जाए तो हम लोगों के बदन पर उजले कपड़े क्यों ना हो। धन्यवाद छोटे सरकार। आओ भाइयों, आओ। जय गंगे, जय गंगे। नमस्ते डॉक्टर। हेलो मधु, क्या बात है? मेरी मोटर की ब्रेक फेल हो गई है। ओफो, तो किसी वर्कशॉप में ले जाओ, मैं इंसानों का इलाज करता हूँ, मोटरों का नहीं। मुझे घर तक लिफ्ट दे दो ना। शायद तुमने मुझे टैक्सी ड्राइवर समझ रखा है। चलो बैठो गाड़ी में। ओफो, जरा सिमट के बैठो, मुझे भी बैठना है। अजीब बात है मधु, ब्रेक फेल होनी थी तो वो भी मेरे नर्सिंग होम के सामने। तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक भी तुमसे कुछ कम नहीं है मधु। मधु मधु, मेरी चाबी तो दे दीजिए। अंदर चलो ना डॉक्टर, डर क्यों रहे हो? यहाँ कोई शेर चीता तो नहीं है? ठीक है, लेकिन तुम तो हो। अच्छा, तो क्या मेरी सूरत इतनी भयानक है? मधु, अभी तुम्हारा बचपना नहीं गया। अच्छा, मेरी चाबी लाओ। अपने आप ले लो। जिद न करो मधु, मुझे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, आज बैठकर मेरे साथ खाना खा जाओ, फिर चाबी दे दूंगी। देखो मधु,
बेतकल्लुफी की कोई हद होती है। किसी ने हमें एक साथ इस तरह देख लिया तो क्या समझेगा? जो हमारे बचपन का संबंध जानता है वो तो यही समझेगा कि हम दोनों पैदा ही एक दूसरे के लिए हुए हैं, और जो नहीं जानता वो समझेगा कि मिस्टर एंड मिसेस आपस में मजाक कर रहे हैं। इतनी दूर की बातें मत सोचो मधु। हर आदमी को अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस लेने का और खुशी से अपने रास्ते पर चलने का हक होता है। तो क्या वो रास्ता जो मेरे घर तक आता है कांटों से भरा हुआ है? उस रास्ते में कांटे में सही लेकिन फूल भी नहीं है मधु। जब आदमी अपने लिए कपड़ा खरीदता है तो उसके लिए भी 10 दुकानें घूमता है, और शादी ब्याह तो खैर बहुत बड़ी बात है। सोच लो मनोहर, जहां मैंने बरसों तुम्हारा इंतजार किया है, एक दो महीने और से। एक दो महीने की तकलीफ भी क्यों सहती हो? मैं अपना फैसला तुम्हें आज ही बता देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम मेरे लिए नहीं, भूल जाओ मुझे। ये देख। जी क्या है भैया, बताओ ना। बताओ ना। ये भैया, भैया शायद मेरे लिए भाभी भी मिली है तुमने। तेरे लिए भाभी तो नहीं मिली, लेकिन अपने लिए बहनोई ढूंढ लिया है मैंने। हो तो भैया, तुम्हें तो बस एक ही मजाक आता है। अरे मजाक नहीं, अब सच कह रहा हूँ। बड़ा अच्छा लड़का मिला है, बात भी पक्की हो गई है, और 10 दिन के अंदर अंदर शादी का मुहूर्त भी निकला है। हाँ देखो भैया, मैं इस घर से चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे भाभी ला कर देते तो मैं इस घर से खुशी खुशी जाती। खुशी खुशी जाती? तू क्या समझती मुझे शादी का शौक नहीं है, है? लेकिन करूँ क्या, मेरी तो सूरत ही देख के लोग भाग जाते हैं। फिर मजाक? मजाक कैसा री, सूरत अच्छी होती तो आज तक कुंवारा रहता है। तू ही बोल। जानती हूँ। क्या जानती? सब जानती हूँ। पहले तुम अपने सर से मेरा बोझ उतारना चाहते हो, इसीलिए बहाने बनाए। पारो, अरे सुन तो, पारो, अरे ये चूड़िया तो लेके जा। पगली कहेगी शर्मा भी। जो नदिया बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। वो दूर जो नदिया बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। मत देख उठा के ले जाएगा तुझे, अपना बना के ले जाएगा तुझे, अपना बना के ले जाएगा। देखो वो बादल आवारा फिरता है ये क्यों मारा मारा, देखो वो बादल आवारा फिरता है ये क्यों मारा मारा। मैं जान गई ये बेचारा है मेरे भैया जैसा कुंवारा है, मेरे भैया जैसा कुंवारा। पंछी दौड़ता जाता है मीठी धुन में कुछ गाता है, वो
तो पंछी दौड़ता जाता है, मीठी धुन में कुछ गाता है, कहता है चुप्पी घर जाएगी, फिर भैया को याद न आएगी, फिर भैया को याद न आएगी। चल ऐसी सुबह पर बात ना ला, हंसते हंसते पी के घर जा, चल ऐसी सुबह पर बात ना ला, हंसते हंसते पी के घर जा, तेरी राख की लाज निभाऊंगा, जीते जी ना तुझको बुलाऊंगा, जीते जी ना तुझको बुलाऊंगा। भैया भैया वो देखो हमारे खेतों में किसी के ढोर चल रहे हैं। कौन रे? ला तो मेरा डंडा। चंद्रू के बच्चे कि तेरे बाप के खेत में अपने रिश्तेदारों को अंदर भेज रहा? क्या चाल आचा मत दिखा, चारवाई तो है, भूल से आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर? तेरा कसूर नहीं है तो फिर मैं भी भूल से इनकी मरम्मत करता हूँ। अजी अगर तूने जानवरों को हाथ लगाया तो जमीन से बुरा कोई न होगा। अच्छा तो तू जानवरों की हिमायत करता है तो मैं तुझी को पहले सबक सिखाता हूँ बेटा। अजीत अगर मुझ पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं जा बे पनवारी। अब के कभी इधर आया तो उठा के ताने तोड़ लूंगा, कमीना कहीं का फलती फूलती फसल के उठा के जड़ मार दी। आओ भाई रामलाल तुमने तो बड़ी देर लगा दी। वाह भाई वाह, घर बार तो खूब सजाया। क्यों ना सजाओ रामलाल, आज मेरी इकलौती बहन की शादी है ना, उनके अरमान निकाल रहा हूँ। बैठो बैठो बैठो, पधारिए पधारिए। अरे रामलाल अब आ रहा है तू? है दिन रात तो पारो मेरी दीदी, पारो मेरी बहन है, क्योंकि मेरे कान खा जाता है, और आज पारो की शादी के दिन सबसे बाद में आ रहा है। देख मैं शहर का चौधरी हूँ। ओ बड़े आदमी हमेशा देर से आया करते। ए चौधरी तू गुंडा होगा शहर वालों के लिए, दोस्त के लिए नहीं है। ए चौधरी साहब गर्मी बहुत है, मेहमानों को पंखे बांटिए जरा। किसी बार अभी देखे, चलो बेटी शुभ समय आ गया है। मंत्र शुरू कीजिए पंडित जी। ओम मंगलम भगवान। किसी चीज को हाथ मत लगाना। क्यों? बेलिफ कुर्की लाया है। कुर्की? किस बात की कुर्की? अजीब ये कचहरी से कुर्की का हुक्मनामा है, तुम्हारा घर बार और उसकी एक एक चीज कुर्की जाती है, अब तुम यहाँ से एक तिनका भी नहीं उठा सकते, इस पर दस्तखत कर दो। लेकिन बेलिफ साहब ये कुर्की किसने करवाई है? जमींदार हरिदास ने। उस कमीने में शायद अपनी जान की परवाह नहीं है उसे, अभी तो सरोज मिला था, कह रहा था अपनी इस बहन की शादी के बाद रुपया दे देना, अब समझा मुझसे बदला ले रहा है। चिल्लाओ नहीं, ये कोर्ट का ऑर्डर है। पहले साहब दया कीजिए, आज मेरी इकलौती बहन की शादी, भगवान के लिए शुभ काम में भी मत डाली। मैं बेबस हूँ अजीत, ये कानून का मामला है, मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। पहले साहब तो एक मेहरबानी कीजिए, मेरी बहन के फेरे होने दीजिए, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके जमींदार का कर्ज चुका दूंगा। मेरे भाई मैं जमींदार नहीं, मैं तो कानून का गुलाम हूँ, मोहलत देना मेरे हाथ में नहीं है। किसी का देते हो पेट में मरोड़ उठते हैं और बहन की शादी पर पानी की तरह दौलत बहा रहे हो। पहले कर्ज चुकाना था, पारो का क्या, पारो चार साल और बैठी रहती तो कौन सी बुरी हो जाती। गरीब साहब देखते क्या हो, ये बर्तन माल असबाब दूल्हा दुल्हन कपड़ा लत्ता सब पर अपना कब्जा कर लो। चंद्रू मुंह संभाल के बात कर। मुझे फुर्सत नहीं है अजीत मुंह संभाल कर बात करने की, चलो मुझे देखते हो चलो। खबरदार खबरदार किसी चीज को हाथ मत लगाना। सामान सामान ये मेरी बहन का जहेज है। बहन साहब
आपके घर में भी बेटियां हूं। जरा सोचिए, किसी मासूम कन्या का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरी बहन की शादी होने दीजिए, मेरी बहन की शादी होने दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता अजीत, जमींदार के आदमी से पूछ लो। मेरी एक ही बहन है, मैंने बड़े अरमानों से उसकी शादी रचाई। आज के दिन मेरी लाज रख लो भैया। लाज रख लो, और वो भी तुम्हारी? हट जाओ मेरे सामने से अजीत। चंद्रू, तुम भी मेरी तरह गरीब आदमी, क्या किसी गरीब आदमी की दुनिया लुटते देखकर तुम्हारा दिल खुश होगा? तुम्हारी भी कोई बहन होगी, मैं उसी के नाम का वास्ता देकर कहता हूँ चंद्रू, मेरी बहन को इज्जत के साथ इस घर से विदा होने दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है अजीत। चंद्रू, सामान उठा जाओ अभी। आदमी है यहाँ पर, ठहर जा, सामान उठने से पहले मैं तेरी अर्थी उठाऊंगा। मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। ठहरो अजीत, यह शादी नहीं होगी। क्यों समझे जी? शादी ब्याह शुभ काम होता है, यहाँ तो शादी के रोज ही कुर्की आ गई। तुम्हारी बहन मेरी बहू बनकर मेरे घर गई, तो मेरा तो शायद सर्वनाश ही हो जाएगा। ऐसा मत कहिए संदीप, अब मेरी इज्जत आपके हाथ। अब इज्जत कहाँ रही, सारी दुनिया ने तमाशा तो देख लिया। चलो बेटा। संदीप जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, एक गरीब आदमी की मदद कीजिए। लो, वो आ गए तुम्हारी मदद करने वाले। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए। आगे बता के सुनोगे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बहन की तो जिंदा नहीं दी। राम कहा सुनाएगा? क्षमा करना पा रहा, मेरी किस्मत मुझे जगह देगी। मैं मैम आपको दिया हुआ वचन पूरा ना कर सका पा रहा, कर ना पा रहा, मुझे क्षमा करना। बदले कैसे कैसे देखो किस्मत के शहनाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत के शहनाई। हाथ में आया ना हाथ दिया का, काहे को मेहंदी रचाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत के शहनाई। बिखर गई सहर की कलियां, हार सिंगार भी पड़ गया पीका, बिखर गई सहर की कलियां, हार सिंगार भी पड़ गया पीका, घूंघट ही की ओट सफाया, चार घड़ी बस दर्शन पीका, टूट गए सब सुंदर सपने, रात मिलन की नाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत के शहनाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत के शहनाई। हाय रे मेरी बुलबुल, ठहरो, जा कहाँ रही हो? सुनती नहीं हो? तुम ही तो बुला रहा हूँ। छोड़ दे मेरे हाथ, बदमाश कहीं का। जानती नहीं मुझे? मेरा नाम रतन है रतन। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, उम्र भर बहन कहकर पुकारता रहा, और अब बेसहारा देखकर बुरी नजर से देख रहा है। अच्छी सूरत को अच्छी नजर से कौन देखेगा मेरी जान? चल घर चल। काहे के लिए? अरे घर बसाने के लिए और काहे के लिए,
तू मेरी घरवाली और मैं तेरा घरवाला। चल घर चल। आग लगे तेरे घर पर, सांप काटे तुझे, छोड़ दे मेरा हाथ। मेरी जान, अगर सांप ने मुझे काट लिया तो सांप मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। छोड़ दे मेरा हाथ, बचाओ मुझे, कहीं बचाओ, छोड़ दे। मचा और शोर मचा, आजकल की औरतों का यही चरण तो रह गया जो मर्दों की इज्जत भरे बाजार में लूटे। झूठ, बिल्कुल झूठ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। त्याग करके इस बदमाश से मेरी जान छुड़ाई। देखो भाई देखो, ये जमाना आ गया है, अब आप ही कहिए औरत का काम मर्द की इज्जत बनाना है या मिट्टी में मिलाना है। अरे भगवान, चल घर चल, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, अब तो मेरी इज्जत रख ले। भाइयों आप ही समझाइए इसे, मेरी बात तो इससे जहर लगती है, जहर। समझाए क्या, बड़ी गर्म मिजाज मालूम होती है। देखो साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई और ये मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी कहकर घर ले जाना चाहता है। साहब साहब, ये गुंडा है, बदमाश है साहब। देखो ये तुम्हारी बीवी है ना। हाँ हाँ साहब। तो इसे बालों से पकड़कर घर क्यों नहीं ले जाते, सड़क पर दुनिया को क्या तमाशा दिखा रहे हो? अच्छा तो आप भी इसके साथ मिलते हैं। भगवान से डरिए, आपके जालिम पिता ने हमारा घर बर्बाद कर डाला, मेरे भाई को जेल भेज दिया और अब आप मुझे इस राक्षस के हवाले कर रहे हैं। याद रखिए, एक ने एक दिन उस गरीब लड़की की आपका सर्वनाश करके छोड़ेगी। इंसान झूठ को लाख सच बना ले, लेकिन न्याय करने वाला भगवान तो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अरे साहब, ये प्रिया चरित्र है, सब प्रिया चरित्र है। रात के अंधेरे में मुझे सोता देखकर घर से भाग आई है ये। अच्छा तो चलो तुम दोनों मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी साहब, आपने एक गरीब का उजड़ता हुआ घर बसाया है, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, चल कर लू की। चलो 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 चलो, भगवान सब नष्ट कर दे, इसके सब लोग नष्ट कर दे। नहीं नहीं, आप आगे आ जाइए। अच्छा तो ये इरादा था तेरा, डॉक्टर के बच्चे कभी तुझे भी समझ लूंगा। पकड़ो, देखो भागने ना पाए। थैंक यू डॉक्टर, इस गुंडे का तो हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, आपने इसे कहाँ पकड़ा? इंस्पेक्टर साहब, हाँ? ये भला मानस राह जाती हुई एक लड़की को जबरदस्ती अपनी बीवी बना रहा था। बहुत खूब रतन, पहले तुम्हारे खिलाफ क्या कम इल्जाम है? चोरी, डाका, हुल्लड़बाजी, नाजायज शराब। तो एक और जमा कर लो, लिस्ट पूरी हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म किस बात की? शर्म तो मुझे जब आए, जब मैं कोई बुरा काम करूं। जो मैं काम करता हूं वो बहादुरों के, बुजदिल लोग इसे क्या समझे। बकमत, इसे हवाला आपने बंद कर दो। चलो चलो ले जाओ, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे रास्ता याद है, आओ मेरे पीछे पीछे। डॉक्टर साहब, आपने कानून की बहुत बड़ी मदद की है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? देखो लड़की, दुनिया में हर कोई डॉक्टर साहब जैसा नहीं होता, तुम नौजवान हो, दुनिया का ऊंच नीच देख कर चला करो, समझी? वंस अगेन आई थैंक यू डॉक्टर। दैट्स ऑल राइट डॉक्टर साहब, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्षमा कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको कुछ और समझा था, मैं जिंदगी पर आपकी दया का बदला नहीं चुका सकूंगी। कहिए कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। क्षमा किस बात की? अगर तुम कहो तो मैं कुछ तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। मेरी सेवा? क्यों नहीं, जब तक तुम्हारा भाई जेल से लौट कर नहीं आता तब तक तुम मेरे नर्सिंग होम में काम करो। हा? सोच क्या रही हो? पिता के पाप के पछतावे का हक बेटा ही रखता है। चलो डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं, चलो। लग गई चोट करजुआ में। अरे जियर राजा, अरे ये तो अपना वही पुराना कमरा है। बहुत बहुत धन्यवाद हवलदार। अंदर चल, मारता क्या को है? अबे कश्ती वाले, तुम यहाँ मौजूद हो बेटा? जो राजा जो। अरे रतन, अजीत भैया तू यहाँ कैसे आ रहे? अजीत भैया क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? मगर तूने क्या किया है? आदमी बेचारा क्या करता है यार, कसूर भगवान का होता है और सजा मुझ तुझ जैसे शरीफ आदमियों को मिलती है। रतन तूने पारो को कहीं देखा है? पारो क्यों, कैसी है वो, कहाँ है वो? बड़े मजे में है वो, तू क्यों चिंता करता है उसकी? बड़ी समझदार लड़की है वो, कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बना ही लेगी।
समझदार तो है लेकिन मेरे सिवा उसका दुनिया में कौन है, कौन उसकी देखभाल करता होगा। हेलो डॉक्टर। क्यों, गाड़ी के ब्रेक्स तो ठीक है ना? तो क्या रोज रोज गाड़ी खराब हुआ करेगी? अरे ये नहीं आया, किसके लिए रखी है? मधु, मेरे नर्सिंग होम में कुछ ऐसे मरीज भी आते हैं जो उम्र से बालिक और अकल से नाबालिग होते हैं। पारो, मेरी गैर हाजिरी में कभी मधु आए तो उसे फीडिंग बोतल वगैरह दे देना। बाय बाय। चेहरा बड़ा चमक रहा, शायद जिंदगी में पहली बार साबुन से नहाई। तन की मैल उतारने से क्या होता है बहन, मन साफ होना चाहिए। होले, दो दिन तू भी खुश हो ले। चंदू। सरकार। गिलोरी कहाँ? बना के दी। अंकल। आओ आओ बहुरानी। मैं आपकी बहुरानी कहाँ हूँ? आपकी बहुरानी तो आपके बेटे के नर्सिंग होम में आ चुकी है। कौन सी गाड़ी से आई? बको मत। क्या कह रही हो बेटी? मेरे कहने से क्या होता है, खुद अपनी आंखों से वहां जाकर देख लीजिए ना। सरकार, गिलोरी जहन्नम में गई। गिलोरी बेटी, हमारा मनोहर ऐसा नहीं जो हमसे पूछे बगैर शादी कर ले। मैंने ये कब कहा कि शादी हो गई है, अभी तो बात सिर्फ सगाई तक पहुंची है। बड़ी खानदानी लड़की है अंकल, जात पात का कोई अता पता नहीं, माँ बाप भगवान को प्यारे हो चुके हैं और भाई जेल में। भाई जेल में? जी हाँ, आप ही ने तो उसे वहाँ भिजवाया है। तुम अजीत और उसकी बहन का तो जिक्र नहीं कर रही हो? जी हाँ, उसी की बहन। बाप भाई को जेल भिजवाए और बेटा बहन को नर्स बनाकर नर्सिंग होम में रखे। आप ही सोचिए अंकल, वो गवार लड़की भला नर्स कैसे बन सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदू चंदू, जरा बुला के लिया उसको। क्या नाम है उसका? अच्छा रहने दे, मैं बुलाता हूँ। मनोहर की माँ। ओ मनोहर की माँ। हाँ मनोहर के पिता, बोलो। ऐसी कौन सी रेल पटरी से उतर गई है, बोलो। सुना सुना तुमने, तुम्हारे सुपुत्र श्री मनोहर लाल ने अजीत की बहन को नर्सिंग होम में रख लिया है। हाय राम, तो क्या हुआ? क्या डॉक्टर लोग अस्पताल में कामकाज के लिए औरतों को नहीं रखते? रखते हैं। तो फिर? मगर इसने कामकाज के लिए नहीं रखा है, समझी? होश से बात करो, न देखा न जाना, सुनी सुनाई पर विश्वास कर लिया। मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है। हाँ हाँ, तू तो सब कुछ जानती है, मैं खुद जाके देखता हूँ। अच्छा किया बेटी मधु जो ये बात मेरे कानों तक पहुँचा दी। चंदो, तो गिलोरी कहाँ है? गिलोरी, गिलोरी तो जहन्नुम में गई सरकार, आप ही ने तो कहा था। देख मनोहर की माँ, अगर ये बात सच निकली तो मैं नर्सिंग होम बंद करवा दूंगा, न रहेगा होम न रहेगी नर्स। देखिए मोहतरमा, मैं कुछ देर के लिए दवाइयाँ खरीदने बाजार जा रहा हूँ, आप जरा इन साहबान का ख्याल रखिएगा। ये जनाब अगर पानी मांगे तो हरगिज मत दीजिएगा, ये हजूर किबला डॉक्टर साहब का हुक्म है। आया ख्याल शरीफ में? जी मैं ख्याल रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। पधारिए। पढ़ा तो चुकाई हूँ लड़की, लेकिन तुम यहाँ क्या करती हो? जी मैं यहाँ मरीजों की देखभाल करती हूँ और छोटे मोटे दूसरे काम भी जिनका डॉक्टर साहब हुक्म दे। अच्छा, तो तुम अजीत की बहन हो? जी हाँ, वही बदनसीब। तो अजीत से मेरी ऐसी कौन सी दुश्मनी है, लेन देन में मुकदमेबाजी तो होती है। कुछ भी हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा लड़का मनोहर अभी नौजवान है, दुनियादारी की उसे कोई समझ नहीं, और फिर कुंवारा भी है। क्या ऐसी सूरत में तुम्हारा यहाँ काम करना मुनासिब है? जमींदार साहब, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से तो नहीं आई, डॉक्टर साहब ने मेरी सहायता के लिए मुझे यहाँ नौकरी दे दी है, उसके से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। ठीक कहती हो तुम, लेकिन दुनिया की जबान कौन बन कर सकता है बेटी? और फिर तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो, दुनिया खामखा कुछ का कुछ समझती रहेगी, और फिर तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस शहर में मेरे खानदान का नाम कितना ऊंचा है और कितनी इज्जत रखता है। मैं सब कुछ समझती हूँ जमींदार साहब, लेकिन मेरी नौकरी का इन बातों से क्या संबंध? अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो इस काम के अलावा दुनिया में और भी तो काम है। देखो बेटी, तुम बहुत समझदार लड़की हो, मेरी इस उलझन का हल मुझे कोई नजर नहीं आता, तुम्हें कुछ सोच कर बताओ,
बड़ों की इज्जत रखना छोटों का फर्ज होता है बेटी। अच्छा जमींदार साहब, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शाबाश बेटी शाबाश, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सुनो, जाना है तो चुपके से चली जाना, छुट्टी की अर्जी मत देना कि कहीं डॉक्टर साहब नामंजूर न कर दे। चंदू सर क्या कैसी रही? बहुत अच्छी रही, मेरा दांव कभी खाली नहीं जाता। क्यों बेटी, किसका घर ढूंढ रही हो? सहमी हुई क्यों हो बेटी, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? जी ठिकाने का तो मुझे खुद पता नहीं, फिर मैं आपको क्या बताऊं? क्या कह रही हो, जब वाहिगुरु ने दुनिया में भेजा है तो क्या ठिकाना नहीं बनाया? आओ मेरे साथ। हाँ आओ बेटी। जीवा, अरे जीवा। जी। अरे देख कौन आया है। ये कौन है तुम्हारे नाल? तेरी ही बेटी है जीवा, इसे वाहिगुरु ने भेजा है, बेचारी बड़ी मुसीबत में है, ना माँ ना बाप, एक ही भाई था उसे भी किसी दुश्मन ने जेल भिजवा। बेचारी बेटी, अगर अच्छे दिन आकर चले जाते हैं तो बुरा वक्त भी कट जाता है। आओ मैं तुम्हारे लिए खाना परोस दूं। आओ। और आटा घर में है ना, सुबह तुम कह रही थी कि जब वाहेगुरु मेहमान भेजता है तो उसका राशन उससे पहले भेज देता है। हाँ। वो प्रीतम सिंह आया था, चारपाई की मजदूरी दे गया था। हाँ हाँ। मैं खुद जाकर राशन ले आई। आओ बेटे ले, हाथ धो ले, उनके ठंडे हो रहे हैं। जी जी ए, मैं क्या है कार थोड़ा के वो है ना, तेरा काकी में फुलका चोपड़ दें। जी आप रुखी खा लेंगे पर आए मेहमान दाते आदर करेंगे। आगे चलो नमस्ते ज्ञानी जी, बैठिए बैठिए। ये लड़की कौन है? सेठ साहब मेरी बेटी ही समझिए। आपने एक दिन कहा था ना कि सेठानी जी का हाथ बटाने के लिए आपको किसी नेक और समझदार लड़की की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए इसे ले आया। क्या ये 24 घंटे की नौकरी करेगी? क्यों नहीं सेठ साहब, जब घर के अपने ही आदमी घर में 24 घंटे रह सकते हैं तो क्या ये नहीं रह सकते? अच्छा तो तनख्वाह वगैरह की भी बात कर लीजिए। सेठ साहब वाहेगुरु ने आपके भंडार भर रखे हैं, उसमें जो चार दाने की किस्मत के हैं इसे दे दिया कीजिएगा। ज्ञानी जी आप तो हर काम भगवान पर ही छोड़ दिया करते हैं। कह रहे हो जिसने काम वो ही जाने। तो अच्छा बेटी सेठ साहब नमस्ते। नमस्ते ज्ञान श्रीवास। आओ बेटी लीजिए मोहतरमा, इसे पी लीजिए। हम आप पी लीजिए, पीने में कड़वी है मगर तासीर बहुत मीठी है। शाबाश। पारो पारो मुस्तफा बंदा पर पारो कहाँ है? हजूर मैं तो उसे यहीं छोड़ गया था। हैं? जी हाँ। तो फिर गई कहाँ? किसी बात पर डांट डपट तो नहीं की? ओ गरीब परवर, लानत है उस मजबूत पर जो खुदा के बंदे का दिल दुखाए और फिर पारो जैसी बेजुबान पर गुस्सा। अल्लामा अल्लामा। कुछ समझ में नहीं आता, जिसे पूछता हूँ वही सर हिला देता है। जजमान सेठ जी कोई मामूली आसामी नहीं है, 10 लाख की हैसियत के मालिक है। क्यों नहीं क्यों नहीं, सिर्फ ये हवेली 1.5 लाख की होगी। जी हाँ, वो भी 10 साल पहले का 1.5 लाख। 2.5 ईंट की दीवार है। जमींदार साहब मेरी तो ले दे के एक ही औलाद है। ये 1.5-2 लाख की हवेली, 3-4 लाख की जमीन और 2-3 लाख नकद, जो कुछ भी है आखिर वो सब मेरी बेटी का तो है। बड़ी भाग्यवान लड़की है, अगर आपका कोई बेटा होता तो बिचारी के भाग फूट जाते। जमींदार साहब ये कौन है? ये मेरे घर का कुत्ता है।
मौके बे मौके दुम हिलाता रहता है। चंदू जरा तमीज से बात किया कर, ये हमारे होने वाले संबंधी हैं, इतना भी नहीं समझता? माफ करना सेठ जी, मेरी जबान जरा गंदी जरूर है, मगर मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। शरबत पीजिए, गर्मियों के लिए खास तौर से लखनऊ से मंगवाया है। शुक्रिया शुक्रिया। जजमान, सेठ जी का दिल बहुत ही बड़ा है, ये कमाना भी जानते हैं और खाना भी। शायद ये आपकी धन पत्नी है। जी हाँ, ये आपकी ही समधिन है। धन्य भाग्य हमारे जो आप जैसे के खानदान में हमारी बेटी जाए। समधिन जी, आहा हा हा हा, आपका खानदान कौन सा छोटा है। 1.5-2 लाख की हवेली, 2-3 लाख की खेती बाड़ी, और हाँ सेठ जी, वो नगद कितना बताया था आपने? बस यही 2-3 लाख। जजमान, ये भी घटा के बता रहे हैं, कुछ ज्यादा ही होगा। इतना काफी है पंडित जी, आप तो जानते हैं मैं ज्यादा लालची नहीं हुआ। कहीं ये तो बेटी रानी को बुलाऊं, जब यहाँ आए हैं तो उसे भी देखते जाइए। अजी, इसकी क्या जरूरत है, आपको देखकर अंदाजा हो गया कि हमारी बहू कैसी होगी। चंदू, सेठ जी अब सब बात पक्की हो गई है, अब कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अच्छा, अब नमस्ते। नमस्ते। मनोहर की माँ, ओ मनोहर की माँ, क्या है, आपको दरवाजे से ही चिल्लाना शुरू कर दिए। और क्यों जी, सवेरे से निकले आप ब्याह जले लाट रहे हो, कहाँ थे तुम अब तक? अरे पहले मुंह मीठा करा फिर बताऊंगा। हाँ बताओ तो सही। बताओ। सुनो, मैंने तेरे लिए बहू ढूंढ ली है। बहू ढूंढ ली है? हाँ। मधुई है ना या और कोई? राम 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 राम, किसका नाम ले लिया तूने, मधु तो उसके पाँव की खाक भी नहीं है। अच्छा तो मधु नहीं है, अभी कल तक तो उसे ही बहू कहकर पुकारते थे, आज कोई और ढूंढ ली है। मनोहर की माँ, हमारी शादी हुए कितने साल हो गए? शायद 30 बरस होने को आए। क्यों? 30 साल मेरे साथ रहकर भी मेरी जबान का एतबार करती हो? अरे भाग्यवान, भगवान ने जबान इसलिए दी है कि कभी वक्त पर हाँ कर दे, कभी वक्त पर ना कर दे। लेकिन मनोहर से भी पूछा है, उसे ये रिश्ता पसंद है या नहीं? मनोहर को पसंद हो या ना हो, लड़की इस घर में जरूर आएगी। हाँ हाँ, मनोहर ने इनकार कर दिया तो खुद दूल्हा बन के ले आना। तो इसमें हर्जी क्या है? अरे अमीर लोग 4-4 शादियां करते हैं, ये तो मेरी भल मानसी है कि मैं 30 बरस से एक ही चूल्हे की पकी खा रहा हूँ। चूल्हे से जी भर गया तो जाओ कोई और तंदूर ढूंढ लो। मेरे बाप की आंखें कमजोर थी जो तुम्हें दामाद बनाना पसंद कर लिया, वरना जिंदगी भर कुंवारे के कुंवारे ही रह जाते। पिताजी, आखिर घर में आए दिन ये झगड़ा क्यों? मामूली झगड़ा नहीं है बेटा, अच्छी खासी महाभारत की तैयारी है। हाँ। इनकी क्या सुनते हो बेटा, जानते तो हो दौलत जमा कर करके इनका दिमाग खराब हो गया है। बेटा मनोहर, तू शादी कर लो तो ये सब झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ बेटा, तुम तो सवेरे उठकर अपने अस्पताल चले जाते हो, इस घर में ले दे के बूढ़े बुढ़िया रह जाते हैं, तो भी झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? हा? अगर पोते पोतिया होते तो दिन भर हम उनकी रौनक देखते, उनके साथ खेलते, फिर झगड़े के लिए वक्त ही कहाँ रहता। और तुम जा कहाँ रहे हो, मैं इतनी जरूरी बात कह रहा हूँ और तुम कंधे लटका के उल्टे पाँव चल दिए। आज ही फैसला कर दो बेटा, कब शादी करोगे ना? हाँ बोलो बेटा। लेकिन पिताजी, पहले लड़की तो ढूंढ लीजिए। लड़की तो मैंने ढूंढ ली है। कौन है वो, तुम्हें इससे क्या वास्ता? सरकार, आखिर शादी तो डॉक्टर बाबू को ही करनी है ना। चंदू, मैंने कब कहा कि तुम्हारी शादी हो रही? पिताजी, लड़की तो आपने ढूंढ ली है, लेकिन उसे देखे बगैर मैं शादी नहीं करूंगा। सुन लिया तुमने, मैं भी तो यही कहती थी ना। हाँ हाँ सुन लिया। मनोहर, जानते हो मैंने तुम्हारी माँ का मुंह कब देखा था? तुम्हारे पैदा होने के बाद। और अगर तुम्हारी यही आदत रही तो दूसरी बार मरने के बाद ही देखोगे। शादी लड़की की है, उसे इतना भी हक नहीं कि वो लड़की का मुंह देख ले। हाँ हाँ देख ले, लेकिन लड़की वालों को भी तो मानना चाहिए। सरकार, जब वो आपको लड़की दिखाने के लिए तैयार थे तो क्या वो मनोहर बाबू को दिखाने से इनकार कर देंगे? अच्छा तो इन्होंने लड़की देखी थी? देखी तो नहीं थी, लेकिन लड़की की माँ को देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगा गया था। चंदन की शक्ल बुरी नहीं है मार्केट। ये कोई जरूरी नहीं होता कि बच्चे की शक्ल भी माँ पर जाए, इनकी माँ की शक्ल क्या बुरी थी? हाँ हाँ, मेरी सूरत है ये गलत, मैंने कब कहा था कि मैं शाहजादा गुलफाम हूँ। चंदो, जाके पंडित जी से कह दे कि मनोहर लड़की की सूरत देखना चाहता है, अगर वो हिल उज्जत करे तो कह देना ये शर्त मंजूर किए बगैर शादी नहीं हो सकती। हरगिज नहीं हो सकती, आखिर ये शादी है, कोई सर्कस का तमाशा नहीं कि शेरनी अंदर पिंजरे में हो और टिकट बाहर दिख जाए।
कैसे कैसे देखो किस्मत की शहनाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत की शहनाई। हसरत थी दिल को मेलों की और मिले है तन्हाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत की शहनाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत की शहनाई। राम का नाम लीजिए सेठ जी, बस जो ही डॉक्टर साहब का हाथ लगा कि सब बीमारी दूर। सच कह रहे हो पंडित जी, यश डॉक्टर साहब के हाथ में, और डॉक्टर साहब ऐसी दवा दीजिए कि मेरा सब दुख दूर हो जाए। घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवा खाने जाकर चार पुड़िया भेज देता हूँ, सुबह तक आराम हो जाएगा। बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब। अरे मुन्नी की माँ, अरे जल्दी से शरबत भेज, डॉक्टर साहब को प्यास लगी होगी। डॉक्टर साहब शरबत पीजिए, दे देना बेटी, देख क्या रही है। अरे पियो ना डॉक्टर बाबू। जी मुझे प्यास नहीं, आप पी लीजिए। जजमान का कल्याण हो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी केस देखने जाना है। ठहरिए डॉक्टर साहब, फीस तो लेते जाइए। राम का नाम लीजिए जजमान, इस घर से डॉक्टर बाबू फीस नहीं लेंगे, दहेज लेंगे दहेज। क्यों डॉक्टर बाबू, है ना चंद्रमुखी, कहिए हमने क्या झूठ कहा है? ब्राह्मण और झूठ बोले, ऐसा कभी हो सकता है? तो फिर हमारा ख्याल रखिएगा, क्षत्रिय का धर्म है दान देना और ब्राह्मण का धर्म है दान लेना। क्यों नहीं क्यों नहीं, वक्त तो आने दीजिए। अच्छा सेठ जी नमस्ते। जीते रहो बेटा, आधा दर्द तो तुम्हें देखकर ही दूर हो गया। वाह पंडित जी वाह। मुस्तफा जी हुजूर। इरशाद हुजूर क्या बात है? मुस्तफा गरीब परवर, बहुत नाजुक मामला है। क्यों हुजूर, मरीज के बचने की कोई सूरत नहीं? अरे तो क्या हुआ हुजूर, ये दुनिया तो सराय पानी है, हजारों आए और हजारों गए। गरीब नवाज, अब मरहूम के रूह की तस्कीन के लिए दुआ कीजिए। मुस्तफा बंदा परवर, जानते हो मेरी शादी की बातचीत चल रही है। मुबारक हो हुजूर। वल्लाह वो सहरा लिख के दूंगा कि गालिब और जौक अपनी अपनी कब्रों से झाक झाक के बंदे को दाद देंगे। मरहबा मरहबा मरहबा। देखो मौलाना, सहरा तुम अपने सर बांधना। पहले नए बाजार में राधा कुंज नाम के बंगले पर जाओ और पता चलाओ कि दुल्हन है कौन। यकीनन कोई लड़की होगी हुजूर। तुम समझते नहीं मुस्तफा, जो लड़की मैं वहां देख आया हूँ वो तो पारो है, भला पारो नमियों की लड़की कैसे हो सकती है? अजीब बात है जनाब, नकली घी और नकली आटा तो सुना था, अब नकली दुल्हने भी इजाद होने लगी। कमाल है, लेकिन हुजूर मैं वहां जाऊंगा किस बहाने? देखो मैं जानबूझकर अपना स्टेटस को वहीं छोड़ आया हूँ। वल्लाह क्या दिमाग पाया है हुजूर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अब तो मेरे लिए मैदान साफ है। अली जी शायद डॉक्टर साहब भूल गए। धोखा
होगा। ओ मेरे मन, लेकिन तू तो जानता है मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया। मैं तो इस घर की दासी हूं। दासी का काम है मालिक की आज्ञा का पालन करना। कभी उनसे मिली तो क्षमा मांग लूंगी। मोहतरमा, कौन? आपका खादिम। मुस्तफा बाबू, मैं तो डर गई थी, आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ कैसे आया? इस पे खाद डालिए, पहले ये बताइए कि आप यहाँ कैसे आई? सब कुछ गड़बड़ है मुस्तफा बाबू, मैं तो यहाँ नौकरी करती हूँ। पारो, पारो, ला मेरे जेवर। डॉक्टर तो कब का चला गया है? या मेरे अल्लाह। अभी देती हूँ। ये कौन है? आप डॉक्टर साहब के कंपाउंडर हैं। डॉक्टर साहब ये यही भूल गए थे आप लेने आए। ये क्या है? गुस्ताखी माफ, ये खूबसूरती का तराजू है। तराजू? इसका दूसरा पलड़ा कहाँ है? जी हुजूर, बगदाद में रखा है, अभी तक मंगवाया नहीं। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप क्या सेठ की धनपत्नी है? ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो सेठ साहब की बेटी हैं। ओ अच्छा अच्छा, तो आपकी छोटी बहन से डॉक्टर साहब की शादी हो रही है? जी, छोटी भी यही है और बड़ी भी यही। तो यही है, खुदा की कसम रोजों के दिन है, मुसलमान से मजाक मत कीजिए। तो क्या ये झूठ बोल रही है? तकफुल्ला, खुदा हाफिज। बंदा नवाज, अगर आप उस देवी के दर्शन कर लेते तो खुदा की कसम इस वक्त आप आगरे में होते। क्या इतनी भयानक और बदशक्ल है वो? भयानक हुजूर, भयानक कहना लफ्ज भयानक की तोहीन है। भैंस कन्या कहिए साहब, भैंस कन्या। उन शरीफ लोगों ने आपको फंसाने के लिए उसकी जगह पारो को, माफ कीजिएगा हुजूर, मोहतरमा पार्वती को दिखाया है। मुझे पहले ही शक था। खैर कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर करना ही चाहिए। क्या कहा हुजूर, ये रिश्ता आपको मंजूर है? अपने जमाने पर तरस खाइए साहब, अगर जिंदगी से इतनी नफरत है तो छुटकारे के लिए नुस्खा मैं लिख के देता हूँ। मुस्तफा, खूबसूरती पर तो हर कोई जान देता है, लेकिन बदसूरती से भी तो किसी न किसी को प्यार होना चाहिए। लेकिन हुजूर, इस नेक काम के लिए क्या सारे हिंदुस्तान में सिर्फ आप ही रह गए? तुम देखते जाओ होता क्या है। पिताजी को फोन कर दो। करता हूँ हुजूर, अगर आपका इरादा खुदकुशी का है तो मैं क्या कर सकता हूँ। या मेरे अल्लाह खैर कर। हेलो, एक्सचेंज प्लीज, 313 लीजिए गरीब परवर। हेलो, हैं? क्या कहा? फिर से कहो, हैं? शादी मंजूर? सच सच कह रहा हूँ, मनोहरी का इरादा। हाँ मनोहर, वाह वाह वाह, जीते रहो जीते रहो बेटा जीते रहो। मनोहर की माँ, ओ मनोहर की माँ, भाई तंदू, और तंदू से क्या हो गया? 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 क्या है? क्या कर रहा? मैं समझो सरकार को किसी जानवर ने काट खाया है। काटा नहीं, मतलब आप काटे रहा समाज होता। दीदी चिल्ला चिल्ली क्यों हो रही है? कहो क्या कहना है मनोहर की माँ से? अरे खुश हो जा के तेरे बेटे की अकल ठिकाने आ गई है, उसने हाँ कर दी। हाँ कर दी? हाँ, हमारे घर लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी। तो क्या सरकार सामने वाले घर से लक्ष्मी ने नौकरी छोड़ दी? अरे चरखे, वो लक्ष्मी नहीं, मनोहर ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तो क्या सचमुच मनोहर ने हाँ कर दी? मनोहर की माँ, हमारी शादी हुए कितने बरस हो गए हैं? 30 बरस और 1 दिन। अब तू ही बता, इतने सालों में मैंने कभी तुझसे झूठ कहा है जो आप कहूंगा? अभी अभी मनोहर ने टेलीफोन किया था। अरे जा जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दे। हाँ भगवान, दूल्हे को ले आइए। आओ बेटे, चलिए चलिए। पधारिए श्रीमान जी। ये कौन है? समीदार साहब, ये क्या मस्खरी है? आप यहाँ विवाह रचाने आए हैं, मेरी नाक काटने? शांति से काम लीजिए सेठ जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा मनोहर, ये शादी ब्याह के रोज ये हंसी मजाक कैसे? मजाक मैं कर रहा हूँ या ये?
क्या इस रेल के डिब्बे से मैं शादी करूंगा? फिर ये रिश्ता क्यों मंजूर किया था तुमने? जिस लड़की को देखकर मैंने हाँ की थी वो ये नहीं है, दिखावे के लिए कोई और लड़की थी और ये कोई और है। मनोहर क्या पागल हो गए हो? ऐसा भी हुआ है कहीं? शादी ब्याह तो पिछले जन्म के कर्म से होता है, और फिर क्या बुराई है इस लड़की में? पिताजी मैं किसी की तिजोरी से शादी नहीं कर रहा हूँ। देखिए बुजुर्गों, मेरे साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर यहाँ लाया गया है। ये झूठ है, बिल्कुल गलत है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। देखिए ये शहादत में मौजूद है। क्या कहा मेरे भाई? पारो जिस घर की नौकरानी है, मैंने ही सेठ जी के घर भेजा है। सरदार जी, रिश्ते के लिए मुझे यही लड़की दिखाई गई थी। आप बुजुर्ग हैं, आप ही कहिए, जानबूझकर इस भैंस की रस्सी में कैसे पकड़ लूं? शादी ब्याह जिंदगी भर का मामला है, सिर्फ बुजुर्गों की झूठी इज्जत रखने के लिए मैं अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूं? चलो मनोहर की माँ, चलो, मुझे नहीं देखा जाता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो, देखिए देखिए माँ, मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगा, आप पर दावा करूंगा, आपका घर बार नीलाम करवा दूंगा। सेठ जी शांति से काम लीजिए। क्यों बेटा, तुम्हारा क्या फैसला है? सरदार जी मैं फैसला आप ही पर छोड़ता हूँ। पंडित जी हार दीजिए, ये लीजिए। किबला मुझे भी लीजिए। लो बेटा, लीजिए। लो बेटी। ज्ञानी जी ये क्या कर रहे हैं आप? इस छोकरी का हाथ जमींदार के लड़के के हाथ में दे रहे? सेठ जी आदमी छोटा बड़ा पैदा नहीं होता, अगर ऐसे ही होता तो शूद्र जातियों में संत कभी पैदा ना होते। और फिर असली बड़ा तो वो है जो छोटों को गिरते देखकर थाम ले। अगर पारों के भाग में राज्य लिखा है तो फिर हम और आप इसे दासी बनाने वाले कौन होते हैं? देख क्या रहे हो बच्चों, ये वाहिगुरु की आज्ञा है। अगर सन्यासी लेने हैं तो मुझे भी साथ लेकर चलो, तुम्हारे बगैर मेरा इस घर में क्या काम है? देवी मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो छोड़कर जा रहा हूँ। ये आलीशान महल, 1000 बीघा हरी भरी धरती, सोने चांदी से भरे हुए मटके, चांद जैसा बेटा और नई नई सुंदर बहू, तुम संसार का सुख भोगो देवी और मुझे जाने दो। नहीं नहीं, तुम भिखारियों की तरह बली देवी भीख मांगो और नई घर में बैठकर राज करो। देवी अगर मोह माया का त्याग कर सकती हो तो चलो हमारे साथ। बालक गुरुदेव, इस सन्यासिन के लिए भी एक तारा मंगवा लो। गुरुदेव दो चार दिन के लिए मैं अपना एक तारा इन्हें उधार दे देता हूँ। नमक हराम रहेगा, तू भी इन्हें उकसा रहा है। अहिंसा देवी अहिंसा, अगर मारना है तो मुझे मारो। मैं तुम्हें क्यों मारने लगी? जरा अपने पोते पोतियां जवान हो ले, अपने आप तुम्हारी मरम्मत करेंगे। हैं? तो तुम मुझे इसलिए रोक रही है कि मेरे पोते पोतियां जवान हो और मेरी पिटाई करके मेरा सर गंदा कर दे? वो तो पहले ही है। ए, तू चुप रह। देख मनोहर की माँ, हमने सन्यास की पूरी पूरी ठान ली है, अगर तू मुझे रोकना चाहती है तो तुझे एक शर्त माननी पड़ेगी। वो क्या? वो ये कि आज से तेरा चूल्हा अलायदा और मेरा चूल्हा अलायदा। अगर शर्त मंजूर हो तो रुकता हूँ, वरना जाता हूँ तपोवन को। अरे गुरुदेव अपना इरादा बदल दीजिए, वहाँ बहुत सख्त गर्मी होती है और खाने पीने को भी नहीं मिलता और वहाँ पान की दुकान भी नहीं है। आओ बच्चों, पिताजी से आशीर्वाद ले लो। जीती रहो बेटी। सन्यासी का आशीर्वाद सबके लिए है। छोड़ो भी ये घर, एक ही लड़का है और उसकी शादी पर भी मुंह फेर कर आशीर्वाद दे रहे हो। सर पर हाथ रखो। कहा जो है सन्यासी संतान मोह माया सब कुछ त्याग चुका है। दिल से कह रहे हो? तो क्या तुम मुझे ढोंगी समझती? अच्छा ये बात है। बेटा मनोहर जा अंदर से कागज ले आ, हम सारी जायदाद खेती बारी रुपए जेवर चंदू के नाम लिखकर इनके साथ तपोवन चलते हैं। मालकिन भगवान आपका भला करे। मनोहर बाबू मेरे पास कागज है। गुरुदेव तुम्हारे पास फाउंटेन पेन? वाह बेटे, इसीलिए मुझे पट्टी पढ़ाई थी, मुझे सन्यास के लिए भेज के मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। मनोहर की माँ, संन्यास कैंसिल। पहले बच्चों के सर पे मुस्कुराकर हाथ रखो और बहुरानी को स्वीकार करो। जीते रहो मेरे बच्चों। मनोहर
तुम्हारी वजह से मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा मुझे और तुमसे कोई शिकायत नहीं। जाओ मेरे बच्चों जाओ, भगवान तुम्हें सुखी रखे, जाओ। चलो चलो। अरे कहाँ जा रहा है तू? सरकार मैं तो मंदिर में भभूत वापस करके पान लाने जा रहा हूँ। सुना तुमने, मंडप किसी का और शादी किसी की। श्यामा, जो महल रेत पर खड़े किए जाते हैं गिर भी उसी तरह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मनोहर को गली की गंदगी से कैसे प्यार हो गया? प्यार काहे का, 2 दिन का नशा है, अपने आप उतर जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें अभी तक उसकी आशा है? क्यों नहीं। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। रात में दो दो चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है, ये रात है या कोई सपना है। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं, मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। अरे अजीब, सोच क्या रहा है? अरे डिनर खा ले, मुझे भूख नहीं। अरे तू भी अजीब है यार, जिस आदमी को जेल में भूख नहीं लगती उसे कहीं भी नहीं लग सकती। ये जौ की रोटियां, ये चने की दाल, अरे रेत का घोड़ा भी खाए तो वो भी हर बार भी नए। ये नहीं खाना है तो ला इधर बढ़ा दे, ला ला तू खा ले। अरे सरकारी माल है, जाया क्यों करे। मैं तो ये सोच रहा हूँ बारू कहां से खाती होगी, कौन उसे तो वक्त रोटी खिलाता होगा। अरे चिंता छोड़ मेरे भाई, कैदियों को अगर जेल में रोटी मिल सकती है तो खुली हवा में रहने वाले को भगवान नहीं देगा। बॉय एक प्लेट प्याज लाओ। मनोहर की माँ
आज खाने का मजा आ गया। जरा अपना हाथ तो ले आए इधर। क्यों? ला तो। पहले बताओ करोगे क्या? अरे काट नहीं खाऊंगा, इसे चूमूंगा। लाज नहीं आती इस उम्र में ऐसी बातें करते हो? मनोहर की माँ, इसमें लाज की क्या बात है? मैं हाथ इसलिए चूम रहा हूँ कि तूने खाना इतना मजेदार बनाया है कि मालूम होता है इसमें अमरूद घोल के डाल दिया है। लेकिन खाना तो बहुरानी ने बनाया है। बहुरानी ने? तो हाथ पीछे ले ले। मैं भी सोच रहा था कि आज तेरे हाथ में इतना रस कहाँ से आ गया। हाँ हाँ, मेरे तो हाथ भी मैले हैं, जबान भी कड़वी है और दिल भी काला है। लेकिन शुक्र है भगवान का कि तुम्हें बहुरानी के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आ गया। हाँ मनोहर की माँ, ताज्जुब की बात है, गरीब खानदान की लड़की और इतना अच्छा पकवान। जिसका मन उजला होता है उसके हाथ में भी मिठास होती है। मैं तो समझती हूँ मेरे बच्चे ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो पारो जैसी लड़की उसे मिली। सास और बहू की तारीफ करे, आज तक न कभी ऐसा देखा ना सुना। मगर अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, थोड़े दिन गुजर जाने दो, फिर देखूंगा कैसे पलटा खाती हो। हाँ पारो, अरे हो पारो, अरे सुनती क्यों नहीं मेरी? पौधों को पानी दे रही हूँ माँ जी, देखिए ना मुरझा से रही। ला ला इधर दे दे घड़ा, मैं दे देती हूँ पानी। बेटी कितनी बार तुझे समझाया है कि ऐसे दिनों में भारी चीजें नहीं उठाया करते, और फिर ये पौधे भी तो बेकार हैं, न मीठे फल देते हैं न फूल। लेकिन देखने में तो बड़े सुंदर लगते। हाँ हाँ सुंदर ही सुंदर। ले बेटी ये खा ले। क्यों माँ जी? कच्चा आम अच्छा होता है, इसे भूख लगती है। और देख बेटी इमली वगैरह नहीं खाना, उससे बच्चे के बदन पर फुंसियाँ निकल आती। चलिए ना माँ जी। ओहो तो क्या मुझे घर से निकाल रही है? देख तेरे कहने से नहीं निकलूंगी। हाँ मेरा होने वाला पोता अगर मुझे धक्की मार कर निकाल देना तो फिर जाऊंगी। अजीत जी, तुम्हारी रिहाई का ऑर्डर आ गया, कल तुम रिहा कर दिए जाओगे। मगर अभी तो मेरी सजा के 10 दिन और बाकी है ना। तुम्हारे अच्छे चाल चलन के कारण तुम्हें 10 दिन की मुआफी दी गई और सरकार की ओर से तुम्हें 10 रुपए नकद इनाम भी मंजूर हुआ है। अच्छा दोस्त, रिहाई का सुनकर भी चेहरे पर यह उदासी। अरे भाई कितने महीनों के बाद कल खुली हवा खाओगे, खुशी मनाओ, रोती सूरत क्यों बना रखी है? रामू मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन बहुत दिनों के लिए नहीं, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ऐसी बुरी बात मुंह से ना निकालो दोस्त। नहीं दोस्त, अच्छा बन के देख लिया, अब बुरा बनना ही पड़ेगा। उस बार तो बेगुनाह मारा गया था, अब की बार गुनाह करूंगा। किसी से बदला लोगे? देखो अजीत, बदला लेने वाला भगवान है। मैं भी मेहनत मजदूरी करके अच्छी खासी रोजी कमाता था, इत्तफाक से बुरी सुबत में पड़ गया और आखिर यहाँ आना पड़ा। रिहा होकर जाओगे कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। देखो भैया, गंगा घाट के किनारे मेरी झोपड़ी है, मेरी कश्ती भी वहाँ बेकार पड़ी है। झोपड़ी की चाबी बेचू दोभी के पास है, उससे चाबी ले लेना और कश्ती चलाकर अपना पेट पाल लिया करना। मेहनत से बढ़कर कोई पूजा नहीं है दोस्त। पारो, जब से तुम इस घर में आई हो मेरा नुकसान पर नुकसान हो रहा है। नुकसान मेरे कारण? हाँ तुम्हारी वजह से। घर लौटने की बेचैनी में मैं मरीजों को देखकर उनसे फीस लेना ही भूल जाता हूँ। लेकिन आपको घर लौटने की इतनी जल्दी क्यों होती है? इसलिए कि मेरे मरीज तो नर्सिंग होम में होते हैं और जिसका मैं बीमार हूँ वो डॉक्टर इस घर में होता है। जाइए ना, हम खतरे रहे हैं। छेड़ कैसी, सच तो कह रहा हूँ। सच है या झूठ मैं क्या जानू। हाँ हाँ, जहाँ प्यार होता है वहाँ शुरू शुरू में शक भी होता है। देखो पारो, आज मैं एक मरीज को देखने के लिए मुगल सराय जा रहा हूँ, कल सुबह की गाड़ी से लौट आऊंगा, मेरा इंतजार न करना। देखिए डॉक्टर साहब, जाना आपका काम है और इंतजार करना मेरा, मैं तो करूंगी। लेकिन जाग कर नहीं सो कर। इससे आपको क्या मतलब? जानता हूँ कि रात आंखों में ही काटोगी, इसीलिए तो समझा रहा था। अच्छा पारो, नर्सिंग होम जाकर फिर गाड़ी पकड़नी है, मैं चलता हूँ।
दिनों के बाद बहन से मिलने छुरी लेकर आए हो। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि तू यहां है। मैं तो जेल से छूटने के बाद अपने दुश्मन का खून पीने आया हूं, तू यहां कैसे पहुंची? भैया, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझ पर क्या क्या मुसीबतें न टूटी। गली गली की ठोकरें खाई, फाके काटे और आखिरकार डॉक्टर साहब ने मेरी मदद की। हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे डॉक्टर साहब से शादी करनी ही पड़ी। शादी? तेरी शादी हो गई? मुबारक हो पारो, मुबारक हो। जिसके बाप ने तेरे भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाकर उसे जेल भिजवा दिया, तूने उसे लगन लगा लिया। भाई के प्यार का खूब बदला दिया तूने, खूब बदला दिया। बहन हो तो ऐसी हो, बहन हो तो ऐसी हो। ये क्या कह रहे हो भैया? मुझे भाई क्या करना पुकार? अगर मैं तेरा भाई होता तो तुम अपने भाई के हाथों हथकड़ी पहनाने वाले के बेटे को अपना सुहाग न बनाती। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर जो मैं जेल की अंधेरी कोठरी में भी दिन रात तुझे जिंदगी में खुश रखने के लिए झूठे महल बनाता, तेरी शादी के सपने देखता रहा, भगवान से तेरी सलामती के लिए प्रार्थनाएं करता रहा। मुझे डूब मरना चाहिए, मुझे डूब मरना चाहिए, मुझे डूब मरना। ऐसा न कहो भैया, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो ले तो मैं सारी बातें समझा दूंगी। गुस्सा कैसे ठंडा हो जाए? गुस्से की वो आग जो एक दुश्मन ने मेरे दिल में भड़काई थी उस पर तूने तेल छिड़का है। भाई के प्यार की कुर्बानी देकर अपना घर बसाया है तूने। मेरे खानदान की बुनियादें खोद कर मेरे दुश्मन के खानदान की बुनियादें पक्की की है। नहीं भैया, डॉक्टर साहब ने अपने पिता के किए हुए पाप का पछतावा किया है। अगर वो मेरी मदद को ना आते तो आज इस दुनिया में तुम्हारी बहन जिंदा न होती। ये सिर्फ उनकी दया थी जो आज मैं तुम्हारे सामने लोटी पाती खड़ी हूँ। काश तू मर गई होती और मैं जमींदार से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकता। मैं जेल से कसम खाकर निकला था कि जमींदार के खून से अपने इंतकाम की प्यास बुझाऊंगा, लेकिन मैं न जानता था, मैं न जानता था कि एक बहन अपने भाई के वचन के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। अब मुझे शर्म की जिंदगी बसर करने का कोई हक नहीं। मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहा। मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं डूब मरूंगा। मुझे भूल जाना पारो, मुझे भूल जाना। भैया, भैया, ठहरो भैया, सुनो, सुनो, मुझे अरे ठुकरा के न जाओ, ठुकरा के न जाओ, तुम अपनी जान ले दो, सुनो। देख, देख, तेरी बहू, देख, हमारे खानदान की नाक काटने किसी के साथ भागी जा रही है। भैया, भैया, तुम अपनी जान क्यों देते? इससे तो अच्छा है, अपने हाथों तुम मेरा गला खोल दो, मुझे मार डालो भैया, मुझे मार डालो। क्या मैंने बचपन से तुझे इसलिए मारा था कि बड़ा होकर तुझे मार डालू? भैया, जब भाई का बहन पर से विश्वास उठ जाए तो फिर बहन के जीने का क्या फायदा? पारो, कोई भाई अपनी बहन से नफरत नहीं करता। मुझे तुझसे नफरत नहीं, तुझ पर दया आती। तू एक भोली भाली मासूम लड़की दुनिया के कहने में आ गई। सोच भला, गरीब और अमीर का क्या रिश्ता? गरीब लड़की है, गरीब लड़की का ठिकाना गरीब ससुराल में होता है। पर लेकिन भैया, मेरे पति अमीर होते हुए भी बहुत ही अच्छे आदमी है। मूर्ख, सांप अमीर हो या गरीब, सांप सांप ही होता है। तू गरीब है, तेरा मन उजला है,
लेकिन उजले मन की कीमत ये सोने चांदी की तिजोरियां रखने वाले नहीं जानते। तू गरीब घर की लड़की है, दुनिया की सब अच्छाइयां तुझ में मौजूद हैं, लेकिन दौलत वाले इंसान की अच्छाइयां और खूबियां नहीं देखते, बल्कि उसको सोने के तराजू में तोलते हैं। जा लौट जा, परो लौट जा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। घबरा मत पारो, जख्मी शेर हर इंसान को अपना बैरी समझने लगता है। मैं निराशा में न जाने क्या क्या कुछ कह गया, मैं जीऊंगा तेरे लिए, जीऊंगा। जा घर। फिर कब मिलोगे भैया? मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, लेकिन कब नहीं कह सकता। जा घर। ना जाने दुनिया को क्या हो गया है, जिसकी तरफ प्यार से हाथ बढ़ाओ वही बाजू काटने को तैयार हो जाता है। हमारे बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे जो जात पात और ऊंच नीच को मानते थे। अगर किसी अच्छे घर की होती तो आज अपना और हमारा मुंह काला नहीं करते। लो, वो आ रही है। आयो। क्यों, हमारी नाक काट कर आ गई? रात के अंधेरे में हमारे खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने सोचा होगा अंधेरा तेरे पाप को छिपा लेगा, तेरी काली करतूत की कानों कान किसी को खबर न होगी। एक दिन के लिए मेरा बच्चा बाहर क्या गया, तो अपने अपनी घर पर आ गई। माँ जी, कुछ मेरी भी तो सुनिए। जो आदमी मुझसे यहाँ मिलने आया था वो बेगाना नहीं, मेरा भाई था। तू मुझे अंधा समझती है? मैं तेरे भाई को नहीं पहचानता, वो तो जेल में सड़ रहा है, वो यहाँ कैसे आएगा? पिताजी, मैं अपने सुहाग की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरा भाई उससे मिलने आया था। जबान बंद रख, सौगंध खानी है तो किसी अपने की खा, मेरे बच्चे का नाम क्यों लेती है? भगवान की सौगंध माँ जी, अजीत जेल से छूटकर मुझसे मिलने आया था। क्या भाई बहन की मुलाकात के लिए आधी रात का वक्त होता है, और वो भी घर में नहीं, छिप छिपा कर किसी गली के कोने में? बारो, अब तुम्हारे लिए इस घर में एक पल भी जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ। अगर तुम्हारे खून में जरा सी भी शराफत बाकी है तो सुबह होने से पहले कुएं में डूब मरो, दरिया में छलांग लगा दो, या किसी रेल की पटरी पर लेट कर अपने पाप भरी जिंदगी का खात्मा कर दो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे मरना मंजूर है, मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन एक बार मुझे सफाई का मौका तो दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन वो जब सुबह वापस आएंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे उनसे एक बार मिलने दीजिए माँ जी, एक बार मिलने दीजिए। जा जा, बातें न बना, मैं तेरी मम्मी छाया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। जा, निकल यहाँ से। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। बेहया नीच कमीनी, मुझे माँ कहकर पुकारती है। जा, निकल यहाँ से। माँ जी, ये जुल्म कीजिए माँ जी, ये जुल्म कीजिए, मुझे एक बार सफाई का मौका तो दीजिए माँ जी। सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत की शहनाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत की शहनाई। खिलना भूल हो जैसे, जितना संभल के पाँव उठाया उतनी ही ठोकर खाई,
सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत के शहनाई, सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत के शहनाई। क्या बात है शमा? अरे डॉक्टर की बीवी भाग गई। भाग गई? हाँ, गली गली यही चर्चा हो रहा है। सच शमा? किसके साथ भागी है भला? ये तो किसी को पता नहीं। हाँ सुना है डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ था, आधी रात को माँ बाप को छोड़कर चुपके से अलंटू फलंटू हो गई। बेचारा डॉक्टर, मर मर के तो उसे एक बीवी मिली थी, वो भी भाग निकली। मधु जी, औरत को काबू में रखना हर किसी के वश की बात नहीं, समझी? छोड़ श्यामा, उस बेचारे का घर सूना हो गया और तू हंस रही है। पिताजी, पिताजी बात क्या है, आप उदास क्यों हैं? माँ, माँ, चंदू, हुआ क्या है? पारो कहाँ है? पारो, पारो, माँ, माँ, रो क्यों रही हो? बोलती क्यों नहीं? आप सब की जबान पर ताले क्यों पड़ गए हैं? जवाब क्यों नहीं देते? ये सब क्या जवाब देंगे? मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब, आप यही जानना चाहते हैं ना कि आपकी माँ की आंखों के आंसू क्यों नहीं थमते, आपके पिताजी की जबान काम क्यों नहीं करती, शर्म के मारे सर झुकाए क्यों बैठे हैं? इन सब बातों का जवाब एक है डॉक्टर साहब, सिर्फ एक। कहो मधु, कहो मधु, क्या कारण है? कारण जानना चाहते हैं? डॉक्टर मनोहर, भिखारी भी आदमी पहचान कर भीख मांगता है, लेकिन आपने तो शादी जैसे नाजुक मामले में भी इतनी लापरवाही की कि सड़क से पकड़कर एक लड़की को इस घर की रौनक बना दिया। डॉक्टर साहब, वो मैना जिसे आप इस पिंजरे के लिए लाए थे ना, चल उड़ जा रही पंछी हो गई। मधु, क्यों ये पर बिजली गिर पड़ी? बहुत प्यार था उसे, उसे बहुत अच्छी समझते थे ना। माँ, माँ, क्या मधु, मधु सच कह रही है? बोलो माँ, बोल माँ। हाँ बेटा, वो कलंकी ने हमारी नाक काट के चली गई, कहीं का न रखा उसने, इस घराने की बनी बनाई इज्जत पे पानी फेर दिया। अरे तू क्यों रो रही है? रोने दे इसे, जिसने माँ बाप के खिलाफ सर उठाकर उस नीच लड़की को अपने गले मार दिया था। दुनिया में बस यही एक महापुरुष रह गया है ना, जो भिखमंगों का भला करना चाहता है, समाज के बनाए जात पात को नहीं मानता, खानदान और बिरादरी को कुछ नहीं समझता। अंकल शांति रखिए, बेचारे मनोहर का दिल पहले से जख्मी है, उस पर और नमक न छिड़की। खानदान की इज्जत गई तो गई, मेरे बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। अब क्या होगा मनोहर, अब क्या होगा? माँ मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। छोड़ भी दे मझदार में ना लेकर उसका नाम, पार उतारे या वो डू
डुबोए जाने अपने काम। आग में चिराग है उसे के चलेगी क्या, जलती हवा के सामने तो भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ उसकी रजा के सामने। हो आग में चिराग है उसे के चलेगी क्या, चलती हवा के सामने। काम है यही बस काम किए जा, मत सोच ये तू अनजान है क्या। तेरा काम है यही बस काम किए जा, मत सोच ये तू अनजान है क्या। वो कांटों की सेज दे या फूलों की, झुकने के सिवा तेरा काम है क्या। झुकने के सिवा तेरा काम है क्या। आदमी खराब है उसके चलेगी क्या, चलती हवा के सामने। तू भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ उसकी रजा के सामने। डूब के किनारे पर कई डूब के भंवर में भी बच निकले, कई रह गए डूब के किनारे पर। वो नदी हो या नाव या आंधी हो, सभी चलते हैं उसके इशारे पर। सभी चलते हैं उसके इशारे पर। आदमी खराब है उसकी चलेगी क्या, चलती हवा के सामने। तू भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ उसकी रजा के सामने। कैसी हो? जी अच्छी। देखो बहन, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए तुम्हारा नाम और पता दर्ज करना है। नाम क्या है तुम्हारा? पार्वती। कहाँ के रहने वाली हो? जगतपुर की। पति का नाम क्या है? शर्माती क्यों हो? शायद पुराने विचार की लड़की हो। अगर अपनी जबान से पति का नाम नहीं लेना चाहती तो लिख कर बता दो ना। मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। लेकिन बच्चे के पिता का नाम दर्ज करना बहुत जरूरी है। अच्छा बोलो, मैं कुछ नाम लेती हूँ, अगर इनमें से कोई तुम्हारे पति का नाम हो तो बता देना। कृष्ण, सुंदर, राम, मदन, चमन, प्रकाश, ओम। नहीं नहीं, राम कृष्ण ओम में से कुछ भी लिख लीजिए, वे तो जगत पिता हैं, वही इस बच्चे के भी पिता हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। देखो पार्वती, शायद तुम एक मुसीबत ज्यादा लड़की हो। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा अच्छी तालीम पाए,
पढ़ लिख कर बड़ा होकर तुम्हारा नाम रोशन करे। हाँ क्यों नहीं, कौन माँ ये नहीं चाहेगी। तो फिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कपूर साहब रूम नंबर 9 अटेंड करो। हाँ डॉक्टर साहब। आपके बरसों के इंतजार का फल मिल जाएगा। जी जी हाँ, चलिए मेरे साथ। देखिए कितना प्यारा बच्चा है। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर है। पार्वती ये कपूर साहब हैं, शहर के बहुत बड़े रईस हैं। इनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। इनकी बहुत दिनों से इच्छा थी किसी बच्चे को गोद लें। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा इनके घर में पले बड़े? तो अपना बच्चा इन्हें देना पसंद करोगी? डॉक्टर साहब। बेटी क्या ये बच्चा तुम मुझे दे दोगी? मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इसे बहुत अच्छी तरह रखूंगी। अगर तुम चाहो तो इसके बदले मैं तुम्हें वो मांगी दौलत दूंगी। नहीं, ऐसी कौन माँ होगी जो अपने दिल के टुकड़े को दौलत के लिए बेच देगी? मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरा लाल अच्छी जगह रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। आप इसे ले जाइए। जा मेरे लाल, आज मैं तेरे सुख के लिए ममता का गला घोट रही हूँ। धीरज रखो बेटी। धरती माता।
मत जहरे सागर। ये क्या किया तुमने? माँ होकर अपनी खुशी से अपनी बात सुनी कर ली? क्या अधिकार है तुझे जीने का? धिक्कार है तेरे जीवन पर, धिक्कार है। की क्या मजाल थी जो तू जैसी पवित्र आत्मा पर कब्जा करती है। वैसे एक तरह से अच्छा भी हुआ पारो, तुझे यह तो मालूम हो गया कि दुनिया क्या है और उसका चलन क्या है। भैया तुम कहा करते थे ना कि गरीब लड़की का ठिकाना गरीब घर में होता है, अमीर ससुराल से नाता जोड़कर तो सिर्फ बर्बादी होती है। तुम्हारी बात सच निकली भैया, लेकिन एक बार मुझे वहां ले चलो, मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं पवित्र हूं, मेरा तन साफ है, मैं मन उजला है। पारो, अंधी दुनिया सिर्फ झूठ की पहचान रखती है, सच की नहीं। वहां जाने से कोई फायदा नहीं, समय अपने आप उन लोगों की आंखें खोल देगा। लेकिन भैया मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना भैया। अरे तू काय को चिंता करती है, अरे अभी तेरा भैया जिंदा है। हाँ मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन तेरा मुन्ना जरूर ले आऊंगा। दिन में दो बार। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। कहिए, घर में खैरियत तो है ना? वो तो सब आपकी दया है डॉक्टर साहब, मगर देखिए तो न जाने ये बच्चा क्यों सूखता जा रहा है। कपूर साहब, किसका बच्चा है ये? ये तो आप जानते ही हैं कि मेरे यहां कोई औलाद नहीं। मैंने इस यतीम को कस्तूरबा मैटरनिटी होम से गोद लिया है। हुजूर, ये देखिए अल्लाह की कुदरत, इस बच्चे के माथे पर भी बिल्कुल आप जैसा तिल है। हाँ हाँ। और जनाब गुस्ताख की माफ फरमाए तो मैं ये भी कह दूं कि माशाल्लाह शक्ल सूरत भी आपसे मिलती जुलती है। डॉक्टर साहब, इतने गौर से क्या देख रहे हैं आप? यूं ही कपूर साहब, बड़ा प्यारा बच्चा है। घबराने की कोई बात नहीं कपूर साहब, ये टॉनिक है, सुबह और शाम एक एक चम्मच दूध में मिलाकर 15 रोज तक लेते जाइए। और मैं वैसे खुद फोन करके भी बच्चे की तंदुरुस्ती पूछता ही रहूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। 10 साल रहे मुस्तफा, बंदा पर दवाइयां दे देना। आइए कबला। हाँ चलिए। अच्छा तो नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हरिओम हरिओम हरिओम। नमस्कार महाराज। कौन हो तुम? ज्योतिषी हूँ, हाथ की लकीरें देखकर किस्मत का हाल बताता हूँ। एक बार परीक्षा करके देख लीजिए, अगर मेरा कहा सच निकले तो दक्षिणा दीजिएगा, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दीजिएगा। दिखा लीजिए ना, झूठ बोलेगा तो हमारा क्या ले लेगा। हाँ अच्छा तो देखिए महाराज, लाइए। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या प्यारी प्यारी लकीरें, जी चाहता है बनाने वाले का हाथ चूम लो। हाँ। उम्र 100 कम 1 साल। हरिओम हरिओम, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है उम्र 1 कम 100 साल। सेहत
दम निकलने तक पहलवानों जैसी। हाँ, 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 एक ही बीवी। दूसरा हाथ लाइए, दूसरा हाथ लाइए। हाँ, लीजिए लीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। घर में दूध घी की नदियां, सोने चांदी के पहाड़, लेकिन माई की गोद उजाड़। क्या बकता है मुंह में? मेरा तो एक छोटा सा लाल है। आए? लाल है? लाल है, लेकिन अपना नहीं। कुछ भी हो, लेकिन ज्योतिषी महाराज हसेखा की विद्या जानते जरूर हैं। महाराज जी, आप बच्चे का हाथ देखेंगे? क्यों नहीं, हम बच्चे बूढ़े जवान नर नारी विधवा कुमारी सभी का हाथ देखते हैं। अरे वाह 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 वाह, आजा 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 मेरे मुन्ने, आओ मेरे राजा, आओ मेरी मुझे देखकर रोता है ना। अल्लाह बेटा तेरा हाथ देखूं, ला ला ला, हाँ क्या छोटा सा हाथ है प्यारा प्यारा। हाँ हाँ हाँ, क्या हाथ है। जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ को मुबारकबाद देने वाला कोई नहीं था, इसके बाप ने इसके सर पर प्यार से हाथ भी नहीं फेरा है। महाराज इस बच्चे की किस्मत बड़ी अच्छी है, जब ये बड़ा होगा तो चंद्रगुप्त सिकंदर हिटलर या तैमूर लंग जैसा नाम जरूर पैदा करेगा। लेकिन महाराज एक बात कहूँ, बुरा ना मानिएगा। कहिए महाराज। हाँ तो सुनिए, ये बच्चा आपके लिए बहुत ही मनुष्य है। हाँ जी, जब ये 3 साल का होगा, जो कुछ हाथ में लिखा है वही बता रहा हूँ, जब ये 3 साल का होगा तो सेठानी जी की छुट्टी हो जाए। हाँ जी, और जब ये 7 साल का होगा तो सारे घर भर में आग लग जाएगी जी। हाँ जी, और आपके सिवा इस सारे घर भर का सर्वनाश हो जाएगा। अरे जाजा, बड़ा है किस्मत का हाल बताने वाला, इतना ही जानता तो खुद गलियों में मारा मारा ना फिरता। देखिए सेठानी जी, अच्छी बात तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन बुरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। देखिए बच्चा भी रो रहा है, 2-2.5 साल की बात और है, देख लीजिएगा कि ज्योतिषी का कहा सच होता है या नहीं। हरिओम हरिओम। ठहरिए महाराज। हाँ जी, इसका कोई उपाय भी है? उपाय बस यही है कि 2-4 दिन में इस बच्चे की माँ इसे लेने यहाँ आएगी। अगर आपने मेरी बात का विश्वास करके इस बच्चे को अपने घर से भेज दिया तो आपका ये ठाठ बाट बना रहेगा, वरना सर्वनाश तो लिखा ही है। हरिओम 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 हरिओम। कल फिर आना है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आइए तशरीफ रखिए। क्या सर्विस कर सकती हूँ डॉक्टर? मुझे एक बच्चे के बारे में कुछ पूछना है। जरूर जरूर, कौन सा बच्चा है वो? वही बच्चा जिसे कपूर साहब यहाँ से ले गए हैं। अच्छा अच्छा, उस बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं। जी हाँ, उसकी माँ का नाम क्या है? उसकी माँ का नाम, पार्वती नाम है उसका। पार्वती? अच्छा, बच्चे के बाप का नाम क्या लिखवाया था? सॉरी डॉक्टर, बार बार पूछने पर भी उस लड़के ने बच्चे के बाप का नाम नहीं बताया। बाप का नाम नहीं बताया? थैंक यू डॉक्टर, दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू नो। बेटी, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बच्चा तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे दिल का टुकड़ा है, इस पे मेरा कोई हक नहीं। फिर भी हमें इतने ही दिनों में इस बच्चे से इतना प्यार हो गया था जैसे कि ये हमारी ही औलाद। बहुत दया की है आपने, अब मम्मी का मामा आ गया है, इसकी देखभाल हो जाएगी, यही सोचकर मैं इसे ले जा रही हूँ। ले जाओ बेटी, सुखी रहो। अच्छा सर जी, नमस्ते। नमस्ते। चल पर। आपका एहसान मैं जिंदगी भर ना भुला सकूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ बेटी,
मुन्ने को जतन से रखना, इसे कोई तकलीफ ना हो। चल बड़ो चल। वाह मेरे राजा। आइए डॉक्टर साहब, कहिए कहीं पड़ोस में विजिट पर आए थे? जी हाँ, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपकी खैरियत पूछता जाऊं। कहिए मुन्ने को कुछ टॉनिक से फायदा हुआ? जी हाँ, टॉनिक के इस्तेमाल से दिन ब दिन वजन बढ़ रहा था, अब तो अच्छा खासा हाथ पांव भी मारने लगा था। मगर डॉक्टर साहब, अपनी औलाद अपनी ही होती है। क्या मतलब है आपका? डॉक्टर साहब, उसकी माँ और मामा आकर ले गए उसे। ले गए? कहाँ ले गए? पता देकर नहीं गए, अभी अभी गए हैं यहाँ से। अभी अभी गए हैं? अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा लागी हाय राजा तेरे बंगले पर नजर लागी, हाय राजा तेरे बंगले पर नजर। अबे वो किश्ती वाले दशाश्वमेध घाट जाने का क्या लेगा? अरे रतन आजकल क्या कश्ती चला रहा है? क्या करो यार, किसी ना किसी तरह इस पापी पेट की आग को तो बुझाना ही है। हाँ यार, अबे सुना था तू फिर अंदर हो गया था? अरे बड़ी पुरानी बात कर रहा है तू। हाँ। जब तेरे साथ अंदर था ना, हाँ। उसके बाद फिर बाहर आ गया। हाँ। फिर अंदर गया। हाँ। फिर बाहर आया। हाँ। फिर अंदर गया, फिर बाहर आया। इस तरह अंदर बाहर होते हुए आज ही फिर से बाहर आ रहा हूँ। इस छोटी सी उम्र में इतनी बार जेल हुआ है? देख भाई, हाँ। मेरी उम्र है 28 साल की। हाँ। और जेल गया हूँ 56 बार। हाँ। अब तू ही बता, मैं बड़ा यहाँ गवर्नमेंट। अच्छा खैर, आजकल तू रहता कहाँ है? मैं चल दोनों एक साथ घर पर खाना खाएं। अरे जियो राजा जियो। ये देख अपना नया बंगला, जवाब नहीं अजीत, नदी का किनारा, समा प्यारा प्यारा। हाँ। किसी साधु महाराज का आश्रम लगता है, देख ले। लेकिन यार, हाँ। तपस्या के लिए जेल की कोठरी से अच्छी कोई जगह नहीं, वो तुम्हें मुबारक हो। चल खाना खा ले, चल। अरे पारो, क्यों? कुछ नहीं। हा? कुछ नहीं पारो, जल्दी से दो आदमियों को खाना परोस दे। पारो भी यही है? अच्छा तुम उसे मेरा प्यार देना। अच्छा मैं चला। अरे अरे कहाँ चला, अभी तो खाना खाना है। गांव में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ ना, बेचारे ने स्वागत की तैयारियां कर रखी है। बैठ, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। हाँ पारो जल्दी चला। भैया खाना नहीं। हाँ ला परोस दे। नमस्ते पारो बहन। भैया जरा इधर तो आना। अरे खाना तो खाने दे। नहीं भैया, पहले मेरी बात सुन ले। अरे तो रतन कोई पराया थोड़ी है, यही कह देना। नहीं भैया। अरे इधर खाना शुरू करना आता। बोल बाबा क्या है? ये बात है फिर तो आज रतन को तेल से लेकर गदरा खाना खिलाना होगा। ले बेटा, आज तेरा ही गोश्त खुशी को खिलाता हूँ। अजीब घर बुलाकर दोस्त की ये खातिर कर रहा है? शर्म नहीं आती? उम्र भर दोस्ती का दम भरता रहा और मुसीबत पड़ने पर मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डालने लगा। नहीं अजीब, मैं तो पारो की मदद के लिए उसे घर ले जा रहा था। हाँ बीवी बना के जलील कही के बहन जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है तुमने। याद है तुझे जब तेरी छोटी बहन बीमार पड़ी थी, मैं 40 दिन तक उसके सिरहाने बैठा रहा और रात दिन उसकी सेवा कर करके मैंने उसकी जान बचाई और तूने मुझे उस सेवा का ये फल दिया। अजीत माफ कर दे दोस्त, तू तो जानता ही कि मैं बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, शैतान से नेकी की आशा कौन रखता है? क्षमा कर दो भैया, अगर तुम दोनों बचपन के दोस्त। सांप से और दोस्ती, माफ कर दे दोस्त, आज से ये सांप कभी किसी को नहीं काटेगा। अजीत माफ कर दे। पार्वती जी, आज से मैं तेरा गुलाम हूं, अगर तू चाहेगी तो मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जान भी दे दूंगा, बड़ा आया जान देने वाला। चल बैठ बैठ, खाना खा। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। रतन उठाओ कुलाड़ा, खा। बैठ 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 बैठ।
पारो दीदी मेरी थाली इधर सरगर्द है। पारो अंदर जो कुछ भी खाने के लिए सब बाहर ले। आज इस शैतान ने मार बहुत खाई है। अरे क्या हुआ? खा बे, खा बे। अरे अरे नौकर ना आ गया। चल खा। खा लो रतन भैया। खा। लो हम खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। तड़ पाओगे तड़ पा लो। कब तक जाने गाना चंदा दर्द चकोरी का। तड़ पाओगे तड़ पालो हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़ पाओगे तड़ पालो। जिनकी खातिर हम फिरते हैं दीवाने बनके, जिनकी खातिर हम फिरते हैं दीवाने बनके, वो हमसे जब मिलते हैं तो बेगाने बनके। इश्क में रह गए हम फसाने बनके। तड़ पाओगे तड़ पा लो हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़ पाओगे तड़ पा लो। देख निशाने पर रखा है सबसे मैंने दिल। देख निशाने पर रखा है तब से मैंने दिल। तीर चला क्या सोच रहा है वो भोले का दिल। क्या पता मौत ही प्यार की हो मंजिल। तड़ पाओगे तड़ पा लो हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो हम खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। तड़ पाओगे तड़ पा लो। मनोहर तुम्हें मुझसे नफरत सही? क्या संगीत से भी नफरत है? क्या तुम चाहती हो कि मैं जानबूझकर जहर को अमृत समझ लूं? तो क्या मेरी आवाज भी जहरीली है मनोहर? नागिन की फुंकार में भी एक लय होती है लेकिन उसे संगीत नहीं कहा जाता। मनोहर मधु तुम बेकार मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही हो। शायद तुम डरते हो कि ये नागिन तुम्हें डस न ले। मनोहर मैं प्यार भरा दिल लेकर तुम्हारे पास आई थी। तुम्हारी वीरान जिंदगी में बाहर लाने की कोशिश की थी मैंने लेकिन तुमने मुझे हमेशा की तरह गलत समझा। याद रखो अगर औरत अपने किए पर आए तो बहुत कुछ कर सकती है। तो रोका किसने है जो जी में आए करो? तो फिर देख लेना शबनम आग कैसे बनती है। पुलिस इंस्पेक्टर के घर में चोरी। पुलिस इंस्पेक्टर के घर में चोरी।
कमबख्त को मिला ही क्या होगा, हथकड़ियों की जोड़ी। हाँ, गेहूं की कीमत पर सरकार का कंट्रोल। गेहूं की कीमत पर तो सरकार ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन सेठों के पेटों पर कंट्रोल कौन करेगा। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है वकील गुलशन राय की लड़की मधु के लिए, जो खुद भी वकालत का इम्तहान दे रही है, एक अच्छे घर के खूबसूरत नौजवान आजाद ख्याल लड़के की। जात पात की रुकावट नहीं, जरूरतमंद लोग ही खतो किताबत करें। बीवी की जरूरत तो मुझे भी है, लेकिन ये आजाद ख्याल होना, ये जरा मुश्किल सी बात है। अरे पारो, तू वकील साहब की लड़की मधु की बात कर रही थी ना, ये देख उसके बाप ने उसकी शादी के लिए अखबार में इश्तहार दिया है। सच भैया, भगवान करे उस मधु की शादी किसी से भी हो जाए, फिर मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। पारो, क्या मधु की शादी से तेरा दुख दूर हो जाएगा? हाँ भैया, वो मेरी शादी से पहले भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। वो उनको चाहती है, कौन जाने हमारे मिलाप के रास्ते का वो भी एक कांटा हो। ये बात है, तो समझ ले उसकी शादी हो गई। लेकिन किससे? अरे हवा से, आग से, पानी से, तुझे क्या, तू घर अंदर रख जा, 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 जा। एक पन दो काज, कुछ ना कुछ करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेचू भैया, अगर काम बन गया ना तो ऐसे ऐसे 6 नए सूट तुम्हें ला दूंगा। हाँ, और अगर काम नहीं बना तो वापस कर दूंगा, अपने मालिक को धोला के दे देना। हाँ भेजा बेटे। कैसा लगता हो? जान पड़ता है हिंदुस्तान में लड़कियों की बहुत ज्यादा कमी है। एक छोटे से इश्तहार के जवाब में ये 3000 एप्लीकेशन। बेटी, मैंने इस लॉट में से ये 3 फोटोज छाटे। अंकल, अंकल, क्या बात? बाहर इतनी भीड़ है कि गली का रास्ता ही बंद हो गया है। तो तुम इनसे डरती हो? अंकल, मैं बड़े बड़ों को रास्ता दिखा दूं, ये क्या है? शायद इंटरव्यू के लिए लोग जमा हो गए हैं। देखो बेटी श्यामा, इन 3 आदमियों को अंदर बुला लो, बाकी सबको वापस भेज दो। आर एस अभ्यंकर राव, बी के सक्सेना एंड अजीत लैंडलॉर्ड। अच्छा अंकल। देखो बेटी, अब मैं कोर्ट जा रहा हूँ, तुम इन 3 आदमियों से मिलकर शाम तक अपना फैसला मुझे बता देना। आप ही मिल लीजिए ना डैडी। अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार तुम्हें, तुम जिसे भी चुन लोगी मुझे इसमें कोई इनकार नहीं होगा। मिस्टर अभिंकर राव, मिस्टर बी के सक्सेना, मिस्टर अजीत लैंडलॉर्ड। ठहरिए ठहरिए, आप तीनों ठहर सकते हैं, आप सब जाइए। मिस्टर अभिंकर राव, कम इन। आप हैं मिस्टर अभिंकर राव और ये है मिस मधु जी। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। आपकी तालीम कहाँ तक है? जी, मद्रास यूनिवर्सिटी का एमए हूँ। मद्रास यूनिवर्सिटी के एमए, शायद आप सर्विस करते होंगे? स्पेंसर एंड कंपनी में सेल्समैन हूँ। सिर्फ सेल्समैन बनने के लिए एमए किया था? जी। आप जा सकते हैं। जी, तो फिर कब मैं हाजिर हूँ? हम का ट्रेन का किराया क्यों खर्च कीजिएगा जी? आइए, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूँ, चलिए। जी जी। एमए और सेल्समैन, चाय बेचता होगा। ये है मिस्टर बी के सक्सेना और ये है मधु जी। हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। इट्स ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी के बी एलएलबी हैं? जी हाँ। प्रैक्टिस तो अच्छी चलती होगी? जी, वो प्रैक्टिस तो मैंने सिर्फ एक बरस की थी, जब देखा कि ये कारोबार ही कुछ झूठ का है तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी और अब इलाहाबाद में ठेकेदारी का काम शुरू किया है। ठेकेदारी? किस चीज का ठेका लेते हैं आप? जी, मैंने वहाँ ईंटों के 2-4 भट्टे लगा रखे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। नमूने के लिए अपने भट्टे से कोई ईंट नहीं लाया? आर यू जोकिंग मिस मधु? नो, आई एम सीरियस। ओके मिस्टर सक्सेना, बाय बाय। बाय बाय। जी, वो
वो एक गिलास पानी मिल सकता है? श्यामा साहब को नल दिखा दे। आइए सक्सेना जी। जी चलिए। ठेकेदार और वो भी ईंटों के भट्टे का। शादी के बाद किसी दिन गुस्सा आ जाए तो ईंट उठाकर बीवी का सर ही फोड़ डाले। आइए आइए। आपका नाम? जी अर्जी नहीं पड़ी आपने? ओ यस मिस्टर अजीत। बैठिए जी। लाइन में इतनी देर बाहर खड़ा रहा कि बैठने की आदत ही भूल गया। आप कहती है तो बैठा जाता हूँ। हाउ इंटरेस्टिंग। जरा तर्जुमा करके बताइए। जी मैंने कहा आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं। सिर्फ आप ही नहीं, जो लड़की भी मुझसे मिलती है यही कहती है। अच्छा तो आप बहुत सी लड़कियों से मिलते जुलते रहते हैं? जी हाँ, दिन में 10-20 लड़कियों से तो मुलाकात हो ही जाती है। माफ कीजिएगा आप कौन है? ये मेरी सहेली है। अगर आप बुरा न माने तो इनको जरा बाहर भेज दीजिए, क्योंकि शादी ब्याह की बातचीत प्राइवेट होती है, और फिर कौन जाने कि मेरी बातों में दिलचस्पी लेते लेते आपकी बजाय ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। किसी आईने में शक्ल देखी है आपने? अच्छी सूरत वाले आईने नहीं देखते बल्कि हसीनों को देखते हैं। श्यामा प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। हाँ तो आप कह रहे थे कि रोज आपकी 10-20 लड़कियों से मुलाकात होती है, शायद आप क्लब जाते होंगे? जी नहीं, मैं कश्ती चलाता हूँ और मुसाफिरों में अक्सर औरतें ही होती हैं। लेकिन आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आप लैंडलॉर्ड? जी लैंड थी लेकिन वो नीलाम हो गई, अब मैं सिर्फ लॉर्ड ही हूँ। तो क्या आप समझते हैं आप मुझसे शादी करने के काबिल हैं? क्यों नहीं, 22 बरस की उम्र है, खूबसूरत हूँ, उठने बैठने की तमीज जानता हूँ, और क्या शादी के लिए सर पर सींग होने चाहिए? लेकिन एक कश्ती चलाने वाले की हैसियत ही क्या है? देखो मैम साहब, दुनिया में हैसियत लेकर बहुत कम लोग पैदा होते हैं। आदमी वो जो भिखारी पैदा हो और राजा बनकर दिखाए। किसी दिन मौका लगा तो मैं भी कुछ ऐसी वैसी हरकत कर बैठूंगा। अगर मौका न मिला तो क्या हुआ, हम और आप कश्ती में पास पास बैठे हुए नदी के किनारे किनारे अपना कोई मनपसंद गीत गाते हुए जिंदगी के दिन गुजार देंगे। What a dream. मिस्टर अजीत, आप दिलचस्प भी हैं और निडर भी। कहिए अगर मैं आपसे शादी के लिए तैयार हो जाऊं तो आप मेरा एक काम करेंगे? शादी से पहले या शादी के बाद? शादी से पहले, बल्कि यूं समझिए कि शादी की शर्त ही यही है। तो बताइए, मुझे फरहाद की तरह पहाड़ काटना है या मजनू की तरह जंगलों की खाक छाननी? आप जो भी हुक्म देंगी बंदा हाजिर। तो सुनिए। सुनाइए। आप एक आदमी का खून कर सकते हैं? हरगिज नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि खून करने के बाद मुझे फांसी की सजा हो जाए और आप कवारी की कवारी रह जाए। मैं आपकी दुश्मन तो नहीं हूँ जो आपको फांसी लगवा दूँ। अगर आप वाकई बहादुर आदमी है तो खून होशियारी से कीजिएगा। आपके और मेरे सिवा इस राज का पता और किसी को नहीं होगा। तो क्या खून किए बगैर हमारी शादी नहीं हो सकती? जी नहीं, जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ। एक शख्स मेरी दुश्मनी है, जब तक उसका काम तमाम ना हो जाए वो मेरी शादी के रास्ते में हमेशा हमेशा के लिए रुकावट बना रहेगा। अच्छा ये बात, औरत की वजह से बादशाहों ने तख्त ताज छोड़ दिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लाखों बेगुनाह इंसानों का खून बहाया, क्या मैं अपनी महबूबा के लिए एक आदमी का खून नहीं कर सकता? बताइए कौन है वो आदमी? ये है उस आदमी की तस्वीर। यही है वो आदमी? क्यों डर गए? मैं इससे क्या डरूंगा? देखिए आप इसे अकेले में कहीं बुला सकती हैं? मैं आज रात ही इसका इंतजाम कर दूंगी। तो समझ लीजिए आपका काम भी आज ही रात हो जाएगा और फिर कल हमारी शादी। हेलो, कौन है, कहां से बोल रहे हैं आप? सीरियस केस है, पता बताइए ना। पास वाली गली, नुक्कड़ पर एक ही पुराना सा मकान। हाँ हाँ, पुराना सा मकान। अच्छा अच्छा मैं अभी आता हूँ।
कोई भी नहीं। भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझसे क्या पूछते हो? उस औरत से पूछो जिसको अपनी नजरों से गिरा कर तुमने कहीं का न रखा। वो औरत जो तुम्हारे चरणों को भगवान के चरण समझती रही, जिसको तुम्हारे बाप ने घर से धक्के देकर बाहर निकाल। ओ, शायद तुम पारो का जिक्र कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उसने मुझे दगा दिया है, मेरे खानदान की बदनामी की है। शादीशुदा होते हुए भी उसका दूसरों से मिलना जुलना था। डॉक्टर, तुम एक देवी के बारे में अल्फाज अपनी जबान से निकाल रहे हो, अपने अल्फाज वापस लो वरना मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, तेरे पैरों से मार डालूंगा। जी मैं आया करूं, लेकिन तुम पारो की तरफदारी करने वाले कौन हो? तुम्हारा उसका संबंध क्या है? जानना चाहते हो? पारो मेरी बहन। अजीत, तू? मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं उस रात घर से बाहर था। पारो दूसरे मर्द से मिलने गई थी, मेरे माँ बाप ने अपनी आंखों से देखा था। मैंने भी उसे अपनी आंखों से बाहर जाते हुए देखा था। तुम जानते हो किसके साथ गई थी? मेरे साथ, अपने सगे भाई अजीत के साथ। मेरी बहन भगवान की दुहाई दे देकर पुकारती रही कि वो निर्दोष है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने झूठे बहाने की आज लेकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं जानता हूँ तुम सीधे साधे हो, लेकिन तुम्हारे दगाबाज माँ बाप ने तुम्हें भी अपने साथ मिला लिया। तुम्हें भी अपने अजीत अजीत भूल जाओ वो बातें, भूल जाओ। अब तो सब कुछ भूल चुका हूँ डॉक्टर साहब, और तो और आज मैंने तुम्हारा और पारो का रिश्ता भी भुला दिया। मुझे माफ कर दो अजीत, अजीत माफ कर दो। मेरे माँ बाप ने मुझे धोखा दिया है, मेरे दिल में भी ये शक था कि ये सब धोखा है, लेकिन इस उलझे को सुलझाने वाला कौन था, किससे पूछता? अजीत, तुम जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। सजा और अपनी बहन के सुहाग को? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं यहां क्यों आया हूं। तुम्हें तो कहा था तुम मेरा खून करने आए हो। कौन पागल भाई होगा जो अपने हाथों अपनी बहन का सुहाग लूट ले है? मैं वकील साहब की लड़की मधु के कहने पर यहां आया हूं। उसने मुझे वचन दिया है कि अगर मैं तुम्हारा खून कर दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। तो ये मधु की साजिश है? अब भूल जाओ मधु को। ऐसा करो, गंगा घाट तलैया के किनारे मेरे झोपड़े में चले जाओ। पारो भी वहीं है और तुम्हारा मुन्ना भी। कुछ दिनों के लिए आज ही उन्हें कहीं लेकर बाहर चले जाओ, और तुम्हारे बाद जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। लेकिन क्या पारो मुझे माफ कर देगी? कसूर चाहे पति ही का क्यों ना हो, लेकिन औरत कभी अपने पति को कसूरवार नहीं समझती। जल्दी करो डॉक्टर भैया, जल्दी करो। अच्छा अच्छा, चले कहाँ? बकस और दो नाली तो मुझे देते जाओ, नहीं समझे? अच्छा समझा, समझे ना। पहरू से चंद तारों से तुम्हें
पारो, पारो मुझे माफ कर दो। डॉक्टर साहब, आप किससे माफी मांग रहे हैं? वो पारो जिसका हाथ पकड़कर आपने जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था, वो मर चुकी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो पारो, तुम्हारा मेरा साथ कभी नहीं छूट सकता। साथ भी छूट गया डॉक्टर साहब, और दिल भी टूट गया। एक गरीब ने अमीर से प्यार किया था, एक झोपड़ी ने महल को गले लगाया था, एक पुजारी ने किसी को देवता समझकर उसके चरणों में अपना जीवन रखा था। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी डॉक्टर साहब, अब आप राख से चिंगारी ढूंढने क्यों आए हैं? जो खुद बुझकर राख हो चुका हूँ वो चिंगारी क्या ढूंढेगा? पारो, मेरा रास्ता न रोको, कम से कम अपने तिल के टुकड़े का मुंह तो देख लेने दो मुझे। नहीं नहीं, वो एक गरीब माँ का बच्चा है, उसकी किस्मत में झोपड़ी लिखी है, सोने के लिए खाक का बिछौना और पीने के लिए आंसू। मैं नहीं चाहती कि उस पर किसी अमीर का साया पड़े। पारो, पारो दरवाजा खोलो, पारो दरवाजा खोलो। तुम तो जानती हो मैं संदिग्ध नहीं, एक डॉक्टर हूँ जो एक मरीज का दर्द देख कर तड़प उठता है। भला वही डॉक्टर अपनी बीवी अपने बच्चों को कैसे मुसीबत में देख सकता है? पारो, इस बात का ख्याल आज आपको आया है? क्या इससे पहले मैं आपकी बीवी और वो आपका बच्चा नहीं था? चले जाइए डॉक्टर साहब, चले जाइए। जा रहा हूँ पारो, जा रहा हूँ, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए तो देखना वो कभी भूल कर भी तुमसे यह ना पूछे कि उसका बाप कौन है। शायद तुम अपनी जबान पर उसका नाम लाना भी पाप समझो। तूने अपने पिताजी की आवाज सुन ली? चल मेरे लाल, उनकी गोद में चल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये क्या किया तूने पारो? उनको अपने दरवाजे से लौटा दी, आखिर तेरा स्वस्थ नहीं के चरण, तो फिर बढ़कर तूने उनके चरण क्यों ना पकड़ लिए? हो गया, सब कुछ हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे दुश्मन का काम तमाम हो गया। तो क्या तुमने उसे मार डाला? और नहीं तो क्या, जीता छोड़ा था है? ये देखो उसका बकस, ये बकस, और क्या कहते हैं इसको, ये धुनाली, धुनाली, और ये देखो उसकी बत्ती। तुमने उसका खून कर दिया? अगर पुलिस को पता चल गया तो क्या होगा? तो क्या होगा, पुलिस हम दोनों को जंजीरों का हार पहनाकर सरकारी मेहमान खाने में ले जाएगी। देखो अजीत, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए ले लो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। लेकिन तुम भी तो मेरे साथ चल रही हो ना? मैं कैसे चल सकती हूँ? ये भी खूब कही। अरे भाई, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरी शादी किसके साथ होगी? नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगी, तुम खूनी हो। आज तुमने मेरे लिए डॉक्टर का खून कर दिया, क्या भरोसा कल किसी के कहने पर मेरा खून कर दो? ये बात थी तो तुमने मुझे किसी के कत्ल पर उकसाया ही क्यों था? उस वक्त तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? मैं क्या जानती थी कि तुम सचमुच ऐसे जालिम आदमी हो? मैंने तो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए बात कही थी। पीछा छुड़ाने के लिए या अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए? देखो मधु, अगर तुमने मेरे साथ चलने से इनकार किया तो तुम्हारा खून भी हो सकता है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? ये सीधी सी बात है, हार सिंगार करके दुल्हन बन जाओ, फिर पंडित को बुलवाकर फेरे ले लेंगे, और उसके बाद तुम्हारे पिताजी को नमस्कार करके हनीमून के लिए नैनीताल चले चले। मधु, ये नैनीताल कौन जा रहा है? बेटी आपका दामाद कौन हो तुम? मधु बताओ। मधु, ये कौन है जो खामखा हमारा दामाद बन रहा है? खामखा? खामखा नहीं, आपकी लड़की ने मुझे पसंद किया है, अगर यकीन ना हो तो पूछ लीजिए। मधु, अरे तुम चुप क्यों हो? कौन है ये जो इस गुस्ताख से बातें कर रहा है? तुम इससे डर क्यों रही हो? कहो तो अभी इसे पुलिस के हवाले कर दूं। हाँ वकील साहब, आप ही पुलिस को बुला लीजिए, वरना ये तकलीफ मुझे करनी होगी। क्यों मधु? पिताजी, मैंने अपनी खुशी से इन्हें पसंद किया है, ये बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बड़े घर के हैं। आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। तुम सच कह रही हो?
मैंने झूठ नहीं कहा है पिताजी, ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं। देखिए पिताजी, आज आप मुझे शक की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन शादी के बाद मैं आपकी लड़की को ऐसे आराम से रखूंगा जिस तरह पुराने जमाने के नवाब अपनी बेगमों को रखा करते थे। अगर मधु एक इशारा करेगी ना तो उसकी खातिर मैं 100 खून करके दिखा दूंगा। क्यों मधु, तुम्हें तो मेरी हिम्मत पर भरोसा है ना? पिताजी, मैंने आपसे सब कुछ कह तो दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की जिंदगी बच जाए तो इससे मेरी शादी कर दीजिए। अगर आपने इनकार किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे तुम रोती क्यों हो बेटी, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। हाँ, तुम बड़े खुशकिस्मत बेटे, इसमें क्या शक है पिताजी। के बच्चे, आज हफ्ते चला है बेटा, इक्का खाली है। हाँ माए बाप, आप जहां ले चलना चाहे वहां ले चलूंगा। आधा वर्ग है सरकार। कौन तुम? 100 दिन सुनार के 1 दिन लोहार का। आपकी मोटर थी, मेरा इक्का है। आप हमें सरकारी घर ले गए थे, मैं आपको उससे भी इक्के ले चलता हूं। लेकिन मेरी बात तो सुनो। रोको रोको रोको। रात को डॉक्टर साहब जब घर से बाहर निकले थे तो तुम उस वक्त कहां थे? साहब, मैं तो घोड़े बेच के सो रहा था कि मैंने डॉक्टर साहब को फोन पर बात करके सुना। मैंने एक आंख खोल के देखा और फिर आंखें बंद करके सो गया। क्यों? बड़े जोरों की नींद लग रही थी, सोचा कि कहीं डॉक्टर साहब साथ चलने को न कर बैठे। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ मैं डॉक्टर साहब के साथ नहीं गया, वरना आज आपको मेरी भी तलाश करनी पड़ती। अरे कमबख्त, अगर तू साथ गया होता तो ये नौबत क्यों कराती? तलाश करनी। कंपाउंडर बंदा परवर, क्या डॉक्टर साहब कभी पहले भी इस तरह आपको घर से बाहर रहे हैं? हरगिज नहीं। उनकी जिंदगी घर से नर्सिंग होम और नर्सिंग होम से घर तक है। क्या डॉक्टर साहब का किसी ने अगवा तो नहीं किया? अल्लाह का नाम लीजिए, डॉक्टर साहब जैसे फरिश्ता आदमी का कौन दुश्मन हो सकता है भला? डॉक्टर साहब का कोई दुश्मन ना हो, लेकिन क्या डॉक्टर साहब किसी के दुश्मन है? हाँ हुजूर। हाँ बताओ कौन है वो? हुजूर, उनकी दुश्मनी बीमारी से है। दुनिया के हर दर्द हर रोग के वो दुश्मन है, क्योंकि परवरदिगार ने उन्हें इस दुनिया में डॉक्टर बनाकर भेजा। और हुजूर, डॉक्टर का काम होता है मर्द को फना करना और मरीज को शफा। बस 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 रहने दो हुजूर। जिमीदार साहब, मामला कुछ समझ में नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब जान लड़ा दीजिए और देखिए कि मेरे बच्चे को कुछ न होने पाए। आप इतना रखिए, शाम तक जरूर पता लगा लूंगा। शुक्रिया। तुम्हें बता श्यामा, और क्या करते? लेकिन ये तुमने क्या किया, एक खूनी से शादी करना मंजूर कर लिया? जो होना था हो गया, अब ये बात मत दोहरा। मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझती थी, लेकिन तुम इस गंवार की बातों में कैसे आ गई? लेकिन मैं क्या जानती थी ये सच मुझे उसका खून कर देगा। अब शादी के सिवा और कोई चारा नहीं। लेकिन तुम अंकल से कहकर इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करवा देती? नहीं श्यामा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। कहो ना, कुछ पता चला? उसकी कार मिल गई, लेकिन वो नहीं मिला। हाय राम, कार छोड़कर कहाँ जा सकता है? मेरी तो आंख फड़क रही है, जरूर मेरे बच्चे पर कुछ मुसीबत टूट पड़ी होगी। अरे घबराओ मत, नौजवान लड़का है, दुनिया देखी है उसने, कोई बच्चा नहीं जो गुम हो जाएगा। कौन जाने बैठे बैठाए उसे बीवी का ख्याल आ गया हो और उसकी तलाश में कहीं चला गया हो। क्या उसे कल रात ही बीवी का ख्याल आ रहा था? निराश न हो मनोहर की माँ, पुलिस जान तोड़कर काम कर रही है, आज शाम तक जरूर पता चल जाएगा। देखो मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जान दे दूंगी, मैं जान दे दूंगी। बस डर गई मेरी जान। थोड़ी हटा। क्यों, हमसे नाराज हो क्या?
हाँ होना ही चाहिए, कसूर तो हमारा ही है। जब से शादी का इकरार हुआ मैंने भी तो कोई प्यार भरी बात नहीं की तुमसे। देखो अगर बहुत गुस्सा हो तो प्यार का एक गाना वाना गा दे। छी 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 छी, इतना गुस्सा, आंखों से लाल लाल अंगारे बरस रहे हैं। शादी से पहले यहाँ हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? देखो मुझे परेशान न करो, मैं यहाँ आराम के लिए आई थी। आओ कुछ प्यार व्यार की बातें करें। मैं प्यार व्यार कुछ नहीं जानती। अरे तुम, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बड़ी आसान सी बात है। देखो अजीत, शादी से पहले किसी गैर लड़के को हाथ लगाना पाप होता है। ये मेरा प्राइवेट कमरा है, तुम्हें यहाँ रात के वक्त नहीं आना चाहिए। तुम ऊपर जाकर आराम करो। लेकिन हम दोनों को तकलीफ ही क्या है जो एक दूसरे से जुदा हो जाए? देखो कल सुबह हमारी मुलाकात हुई, शाम को मोहब्बत हुई और कल परसों हमारी शादी हो जाएगी। और फिर शादी के बाद तुम कुछ छोटों की माँ और मैं कुछ छोटों का बाप बन जाऊंगा। तो फिर क्यों ना फुर्सत की ये दो रातें जाग कर खिड़की से चांद का नजारा करें। बातें तो यूं कर रहे हो जैसे चांद पहले कभी नहीं देखा। चांद पहले तो कई बार देखा है लेकिन किसी लड़की के कंधे पर सर रख के नहीं। सच कहता हूँ मधु जी, इससे पहले जब कभी मैंने चांद देखा ये कमबख्त मुझे पीतल की थाली की तरह नजर आया। लेकिन आज ये जालिम किसी हूर के हाथ का गजरा नजर आ रहा है। मर गए। तुम्हारी एक बात भी मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं हॉल में जाके बैठती हूँ। रुक जा ओ जालिम, जरा रुक जा। गई कहाँ जाएगी? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। पहली पहली ना का आधा मतलब है हाँ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। है कुछ आज गर्म मेरे दिल पर काफी मिजाज गर्म। ये रात भी है कुछ आज गर्म मेरे दिल पर काफी मिजाज गर्म। हाय क्या कहना, हाय क्या कहना। हुस्न अगर है गर्म तो गर्मा गर्म है इश्क के अरमां। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। अरे पहली पहली ना का आधा मतलब है हाँ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। दिल का कातिल इश्क इश्क, फिर भी है मंजिल इश्क इश्क। हर दिल का कातिल इश्क इश्क, फिर भी है मंजिल इश्क इश्क। हाय इश्क इश्क, हाय इश्क इश्क। इश्क अगर ना हो तो दुनिया की महफिल है वीरान। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। अरे पहली पहली ना का आधा मतलब है हाँ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। एक बार फिर क्यों ना कर ले प्यार प्यार। दिल आता है बस एक बार, फिर क्यों ना कर ले प्यार प्यार। बस एक बार हाय प्यार प्यार। अरे डाल के आंखें आंखों में मुझे प्यार से कह दे बलवा। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। पहली पहली ना का आधा मतलब है हाँ।
जाता हो जाता है मेरी जान, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है मेरी जान। अरे मधु तुम रो रही हो है? शायद इसलिए कि तुमने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया है, जो होना था वो तो हो ही गया, अब पछताने से क्या फायदा। नहीं मुझसे नाराज हो। हाँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है ना, माफी चाहता हूँ। अब तो मान जाओ मधु जी। तुम समझते थे मैं नाराज हूँ, जानते हो मैं यहाँ क्यों आई? वो तो जानता हूँ, अगर घर में हम दोनों प्रीत की रास रचाते तो घर के बुजुर्ग बुरा मानते है ना, इसीलिए तो मेरी गोपी रूठने का बहाना करके यहाँ चली आई। जानती थी कि कन्हैया तो अपनी गरज से पीछे पीछे आए गए। अब समझे? समझ तो हम बहुत पहले ही गए थे, लेकिन मोहब्बत में जब तक छेड़छाड़ ना हो मोहब्बत में रखा ही क्या है। तुम्हारी शरारतें भी अजीब सी होती है। हम आदमी ही अजीब है। देखा अपनी महबूबा के एक इशारे पर कत्ल करके दिखा दिया ना। अजीत भगवान के लिए ये लफ्ज अपनी जबान से ना निकालो। अच्छा बाबा फिर कभी ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन भगवान के लिए तुम ये रोनी सूरत ना बनाया करो, तुम उदास हो जाती हो तो मजनू की कसम हमारा दिल बैठ बैठ जाता है। अच्छा अब जरा एक बार हंस के दिखाओ ना। यूं नहीं ये तो आधे चांद की तरह हंसी हो। अरे पूर्णमासी के चांद की तरह हंसो ना। अरे देखा बेटा बहुत अकलता था अपनी खूबसूरती पर। आए इस खून से भरे रुमाल से साफ पता चलता है कि खून अजीत ने ही किया है। जिम्मेदार साहब जी, क्या आप इन दोनों चीजों को पहचानते हैं? जी हाँ, ये बैग और स्टेथोस्कोप मेरे बच्चे का है। ये तो डॉक्टर साहब का ही बैग है। डॉक्टर साहब, उस पापी ने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया। कत्ल? कौन कत्ल कर दिया गया? डॉक्टर साहब यही है वो कातिल, इसे गिरफ्तार करो। पापी हत्यारे, तूने मेरे घर का चिराग बुझा दिया, मेरे इकलौते बेटे का खून कर डाला। इकलौता बेटा? तुम्हारा इकलौता बेटा था तो क्या मेरी दो बहनें थी? एक ही तो थी जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर डाली। उसकी शादी के वक्त कुर्की लाते हुए तुम्हें ख्याल ना आया कि मेरी भी एक ही बहन है? आज तुम्हारे अपने दिल पर तीर लगा है तो चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो। हमार सिपाही इसे हत्या लगा दो। बेटी बड़े वक्त पर श्यामा ने मुझे सारा राज बता दिया और मैंने पुलिस को खबर कर दी, वरना कल इस खूनी से तेरी शादी हो जाती और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वकील साहब, आप अपनी लड़की को मेरे पंजे से छुड़ा सकते हैं, लेकिन फांसी के तख्ते से नहीं। मैंने मनोहर का खून किया है, लेकिन मधु के कहने पर। पूछिए इससे कि मुझे मनोहर के कत्ल के लिए किसने भेजा था, पूछिए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। समझे? मेरी बेटी और मनोहर के खून की प्यासी हो? नामुमकिन। हाँ पिताजी, असली खूनी मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर मनोहर को चाहती थी, लेकिन वो मुझे हमेशा ठुकराते रहे। जब उन्होंने पारो से शादी कर ली तो मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मोहब्बत अंधी होती है। मैंने उस अंधेपन में अजीत से शादी करने की ये शर्त ठहराई कि शादी से पहले वो मनोहर को कत्ल कर डाले। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। नागिन कहीं की, अब रोती है क्या? तेरी आंखों में इतने आंसू हैं जो तेरे इस भयंकर पाप को धोकर रख दे? माफ कीजिए वकील साहब, इसे भी गिरफ्तार कर लो। खैरिये इंस्पेक्टर साहब, ये तकलीफ रहने दीजिए। औरत बुरी हो या अच्छी, औरत की इज्जत रखना मर्द का फर्ज होता है। माफ कीजिएगा, आप हमें एक ऐसे आदमी के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार कर रहे हैं जिसका कत्ल हुआ ही नहीं। वो आदमी इस दुनिया में है और जिंदा है। क्या? मेरा बच्चा जिंदा है? और नहीं तो क्या, मैं अपनी बहन की मांग का सिंदूर मिटा देता। जमींदार, अगर मुझे कत्ल करना होता तो मैं तुम्हारा कत्ल क्यों ना करता? तुमने मेरी मासूम बहन की शादी रुकवाई, तुमने, और जब इस पाप का पछतावा करने के लिए तुम्हारे नेक बेटे ने उसे अपने नर्सिंग होम में आसरा दिया तो तुमने फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे घर से बेघर कर दिया। तुमने,
और उसके बावजूद जब तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी खुशी से शादी कर ली तो तुम्हारे सीने पर सांप लौटने लगा, क्योंकि तुम बरसों से सपने देख रहे थे कि तुम्हारे बेटे की शादी किसी अमीर घराने में हो, जहां से तुम्हें 2 लाख का जहेज मिल सके और तुम्हारी तिजोरी और भी मोटी से मोटी होती जाए। और इस नुकसान का बदला तुमने मेरी बहन से उस रात लिया जब डॉक्टर मनोहर घर में नहीं था। तुमने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, और वो भी उस हालत में जब वो तुम्हारे पोते की मां बनने वाली थी। शुक्र करो जमींदार कि तुम्हारा बेटा मेरी बहन के सुहाग का मालिक है, वरना सचमुच आज वो इस दुनिया में न होता। आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ चलिए, डॉक्टर मनोहर मेरी झोपड़ी में मौजूद है। पारो भैया, ये क्या हुआ भैया? घबरा मत पारो, मनोहर कहाँ है? वो चले गए भैया। चला गया? कहाँ चला गया? मुझे कुछ नहीं मालूम भैया, जब वो आए थे उस वक्त मेरा दिल दर्द से भरा हुआ था। मैंने गुस्से में उन्हें बहुत कुछ कह दिया और तो और घर का दरवाजा भी उन पर बंद कर दिया। लेकिन भैया, तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ लिया है? भोली न बनो पारो, मैं जानता हूँ इस साजिश में तुम भी अपने भाई के साथ शामिल हो। ये क्या कह रहे हैं आप, मैं और उनके दुश्मन? मैं समझ गया जिम्मेदार साहब, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस लड़की को भी गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब खामोश, मगर चुप रहो। इधर उधर के बहाने बनाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हो। अरे अजीत, क्या आज पारो के मुन्ने की सालगिरह? जो इतने सारे मेहमान बुला के रखे। रतन, तुम यह क्या लेने आए हो? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, और क्या लेने आया हूँ? अजीत, इस गुंडे से भी तुम्हारी दोस्ती है? रतन, डॉक्टर मनोहर के कत्ल के बारे में तुम्हें जरूर कुछ मालूम होगा। रतन, क्या कहा? डॉक्टर मनोहर का कत्ल? यानी आपका मतलब है जमींदार साहब के बेटे से? हाँ, कहो। अरे इंस्पेक्टर साहब, किसका कत्ल किसका खून, राम का नाम लीजिए, आइए मैं आपको डॉक्टर मनोहर से मिला दूं। लेकिन कहाँ? अपने घर। अजी साहब, डॉक्टर मनोहर परसों से मेरे मेहमान हैं, आइए। मेरे बच्चे, पिताजी। डॉक्टर साहब, कांस्टेबल इनको जल्दी खोलो। मुझे क्षमा कर दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटा, रतन, तुझे शर्म नहीं आई? मैं तो समझती थी कि तू बहुत अच्छा आदमी बन गया है, लेकिन तू तो गुंडे का गुंडा ही रहा। पारो दीदी, तू समझती मैं डॉक्टर से उस दिन का बदला ले रहा हूँ? अरे पगली, जरा बहनों से पूछ के तो देख कि रात को मैंने इन्हें कितना अच्छा खाना खिलाया, लेकिन पेड़ से बांध के। मुझे डर था कहीं ये जनाब फिर उड़न छू हो गए तो मेरी दीदी की आंखें हमेशा के लिए भीगी रहेंगी। रतन भैया, रतन, जहां मैं अपनी बहन के होंठों पर मुस्कुराहट देखकर खुश हो रहा हूँ, वहां मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने एक गुंडे को एक अच्छा इंसान बना दिया। अजीत बेटे, मुझे माफ कर, मैं समझता था संसार में दौलत ही सब कुछ है। इस नशे में मैंने तेरा घर बर्बाद कर दिया, तेरा सुख बर्बाद कर दिया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई बेटे। दौलत कुछ भी नहीं, दिल की शांति और ईमानदारी ही सब कुछ है। पुरानी बातें भूल जा बेटे, भूल जा, भूल जा। मीना साहब, हम लोग सिर्फ इज्जत और प्यार के भूखे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कांस्टेबल अजीत की हथकड़ी खोल दो। जिम्मेदार भाई जी, अब मैं अजीत को हथकड़ी पहनाए देता हूं। शौक से, शौक से। पतले कैसे कैसे देखो किस्मत के शहनाई, सुर पतले कैसे कैसे देखो किस्मत के शहनाई।